कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, वेस्ट बंगाल से लेके पूरा गुजरात तक, इसमें जो कुछ है ये मेरा मुल्क है। इसमें पहाड़ भी आ गए, दरिया भी आ गई, मछलियां आ गए वो दरियाओं के अंदर के, उसके अंदर झाड़ आ गए, उसके अंदर की आबो हवा आ गई, उसके अंदर की खेती बाड़ी आ गई, वहां के बसने वाले इंसान आ गए, बिल्डिंग आ गई, सोना आ गया, चांदी, जो कुछ उसमें है ये मेरा मुल्क है। अल्लाह का मुल्क क्या है? तो अल्लाह ने खुद कहा आले इमरान के आयत नंबर 189 में, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाती वल अर्द, कायनात आसमान और जमीन में जो कुछ है वो मेरे अकेले की जायदाद है, बोले मेरी ओनरशिप है, मैं अकेला उसका मालिक हूं, मेरा इख्तियार है उसके ऊपर। और मैं जो उर्दू पेपरों का आप लोगों के सामने जिक्र कर रहा था, मेहरबान उर्दू पेपर, एक पेज के ऊपर इस्लाम को बचाने की बात होती, मुसलमान बच्चों के तरबियत की बात होती, उसके आखिरी पेज के ऊपर पूरे फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के पूरे पिक्चर आ रहे थे। ये इनकी उर्दू की तहरीक है पूरी। तो इस तहरीक वाले ऐसे उर्दू पेपर वाले अक्सर शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार यूसुफ खान जो हमारे फिल्म एक्टर है, उनको शहंशाह जज्बात उर्दू पेपर की फ्रंट न्यूज रहती कई बार। तबियत खराब है इनकी, तो इनके जीजाजी की तबियत खराब हुई ऐसे लगता है इनको, फौरी फ्रंट पेज पे न्यूज आती है, शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार साहब की तबियत खराब है, कुछ ऐसा शहंशाह जज्बात। सही अल बुखारी कुरान के अलावा, सही अल बुखारी जो हम पढ़ते हैं जिल नंबर 8 वॉल्यूम नंबर 8 इंग्लिश ट्रांसलेशन हदीस नंबर 6205 6206, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अल्लाह नफरत करते अपने उस बंदे से जो अपना नाम मलिकल अमलाक रखता। और सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मलिकल अमलाक को अगर तर्जुमा किया जाए तो इसका माना है शहंशाह। अल्लाह सख्त नफरत करते अपने उस बंदे से जो अपना नाम मलिकल अमलाक, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह कौन है, शहंशाह कौन है? ये नाम जायज नहीं है इस्लाम में, ये नाम सिर्फ अल्लाह का है, शहंशाह मालिकल अमलाक, मलिकल अमलाक। क्रिश्चियन मिशनरीज का एक सवाल है, ईसाई मुबल्लिगीन का जो इस्लाम से भटकाना चाहते मुसलमानों को, उनका एक सवाल है, भाई जो आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं ना, रोज क्यों दुआ कर रहे हैं हदीना सिरातल मुस्तकीम हदीना, आप लोग बोल रहे हैं मुसलमान है बोले तो आप हिदायत पे है, फिर ये दुआ रोज क्यों करते चले जा रहे हैं इतने बार, ये लोगों का सवाल है, सवाल है ना, आप बोल रहे हैं आप मुसलमान हैं तो आप बोल रहे हैं मैं हिदायत पे हूं इसलिए मैं मुसलमान हूं, फिर रोज दुआ करते चले जा रहे हैं हिदायत दे हिदायत दे हिदायत दे, ऐसा क्यों कर रहे हैं बोल गए। तो उसका जवाब यही है, आपका इम्तिहान क्या है, अब आप साबित करिए कि आप मलिक इन्नास अल्लाह को माने या शैतान को मलिक इन्नास माने, अपना मालिक माने, ये आपका इख्तियार है। ये आजादी जो कुछ वक्त की दी गई ये एग्जाम है आपके लिए। तो अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? अल्लाह ने इसलिए किया क्योंकि अल्लाह कयामत के दिन वो फरिश्ते जो अल्लाह से बोले अरे अल्लाह जमीन पे इंसान क्यों पैदा कर रहे हैं आप, ये तो जमीन पे खून खराबा करेंगे, तो अल्लाह ताला क्या बोले, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते और तुम उतना ही जानते हो जो मैंने तुमको सिखाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सिमाक हुसैन सिद्दीकी बाहैसियत ए नाज़िम जलसा आप तमाम मर्द और ख़वातीन का IREF के दफ्तर पर आज यानी 27 सितंबर 2020 ईस्वी बरोज़ इतवार को तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इंशाल्लाह इस मजलिस का आगाज़ के लिए मैं IREF के स्टूडेंट खारी अब्दुर्रहमान को दावत देता हूँ कि वो कुरान पाक की किरात पढ़ें और उसका मफहूम पढ़ें। खारी अब्दुर्रहमान।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अब्दुर्रशीद अहमद आप तमाम के सामने सूरतुल हश्र सूरा नंबर 59 की आयत नंबर 21, आयत नंबर 22, 23 और 24 की तिलावत करूँगा और फिर इन्हीं आयत का उर्दू में मफहूम भी सुनाऊँगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم। आइए अब मैं इन आयात का उर्दू में मफहूम सुनाऊँ। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सारी तारीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजावार है जो सारे जहानों का पालने वाला है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, जो रोज़े जजा का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ से ही मदद तलब करते हैं, तो हमें सीधा रास्ता दिखा, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाए, और ना उनका रास्ता चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना ही गुमराहों के रास्ते। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला है, वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही हकीकी बादशाह है, पाक है, सलामती है और अमन देता है, निगहबान है, वही ज़बरदस्त है, दुरुस्त करने वाला है, बड़ाई वाला है, अल्लाह पाक है लोगों के शर से। वो अल्लाह है पैदा करता है, इजाद करता है, सूरते बनाता है, इसके अच्छे अच्छे नाम हैं, सब इसकी पाकी बयान करते हैं। जो भी आसमानों और ज़मीन में है, और वही ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। इसी के साथ मैं अपना मफहूम ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे पहले कि मैं मेरे वालिद जनाब इमरान सदर IREF को बयान की दावत दूँ, आप तमाम को IREF का मुख्तसर तारुफ देता चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह,
IREF यानी इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन February 1998 ईस्वी में क़ायम किया गया इस्लाम का दावती इदारा है, जिसका बुनियादी मकसद है गैर मुसलमानों को और गुमराह मुसलमानों को कुरान और हदीस बाफहम व मनज है सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन दावत दें। माशाल्लाह, इसी मकसद को हासिल करने के लिए IREF हैदराबाद में, सारे हिंदुस्तान में और बेशुमार बाहर के मुमालिक में इंग्लिश और उर्दू ज़ुबान में बयानात, गैर मुस्लिम मजहबी इल्म वालों से मुनाजरे मुबाहिसा वगैरह में शिरकत करते हैं या ख़ुद IREF मुनाक़द करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब इमरान अभी तक USA, कनाडा, UK, न्यूज़ीलैंड, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड के अलावा तमाम गल्फ मुमालिक में भी प्रोग्राम्स किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, IREF के तमाम काम जनाब इमरान प्रेसिडेंट ऑफ IREF की निगरानी में होते हैं। साल में एक दफ़ा होने वाले दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम में IREF पर 200 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों को इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन यानी इस्लाम और तकाबुली मज़ाहिब पर पब्लिक स्पीकर की हैसियत से जनाब इमरान ने तैयार किए हैं। माशाल्लाह, आप लोग youtube.com/IREF videos को हमारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और 9989031373 के व्हाट्सएप नंबर को आपके पास ऐड कीजिए और हमको एक मैसेज भेजिए। हमारा FB पेज है facebook.com/IREFPOSTS। माशाल्लाह, जनाब इमरान की पहली अहलिया यानी मेरी वालिदा मोहतरमा निदा घरेलू खातून हैं, जबकि दूसरी अहलिया मोहतरमा अम्तुल मतीन की निगरानी में IREF का शोबे ख़वातीन 2005 ईस्वी से काम कर रहा है। हर सैटरडे को मोहतरमा अम्तुल मतीन और मेरी बड़ी बहन मोहतरमा सुमैया फ़ातिमा के सिर्फ ख़वातीन के लिए तकारीर होते हैं। इंशाल्लाह, लॉकडाउन की वजह से रुका ये सिलसिला बहुत जल्द दोबारा शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हर संडे को जनाब इमरान और ख़ुद मेरे बयानात IREF पर मर्द और ख़वातीन के लिए होते हैं, ये भी लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, संडे के बयानात का आज यानी 27 सितंबर 2020 ईस्वी से आगाज़ हो रहा है। माशाल्लाह, लॉकडाउन से कबल जनाब इमरान उर्दू में अल्लाह के 99 नाम पर बयान कर रहे थे, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी जनाब इमरान अल्लाह की सिफत अल्लाह अल मालिक पर बयान करेंगे। अब मैं जनाब इमरान को दावत देता हूँ कि वो अपना बयान शुरू करें। जनाब इमरान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مالك يوم الدين اما بعد रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं मेरे तमाम भाइयों और मेरी बहनों को इस्लामी तरीक़े से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका माना है आप तमाम पर अल्लाह सुबहान व तआला की रहमतें, सलामती और बरकतें हों। माशाल्लाह, आज हमारा लॉकडाउन के बाद का ये पहला सेशन है। माशाल्लाह, अल्लाह सुबहानहु ताला का बहुत बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमको सिर्फ इस सेशन में शरीक होने का मौका नहीं दिया
بلکہ اس سیشن میں یہاں پر شریک ہونے تک باحیات باصحت بغیر کووڈ میں مبتلا ہوئے کے بچائے رکھا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ان تمام اپنے بندوں پر جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس درندگی والی بیماری جسے کووڈ 19 کے نام سے جانا جا رہا ہے اس سے بچائے رکھا۔ اگر آپ لوگوں نے آج کا انڈین ایکسپریس کا میگزین سیکشن جو سنڈے ایکسپریس پیج نمبر 9 ہے اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا ایکسپرٹس کی رائے یہ ہے کہ لگ بھگ ابھی تک 10 لاکھ لوگ مر چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں 10 لاکھ لوگوں کے اور مرنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ حفاظت کرے کہ ہم ان 10 لاکھ میں سے نہ ہوں، اور اللہ کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے کام سے اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو سیکھنے اور اللہ کی بڑائی کو دوسروں میں بیان کرنے کی خدمت میں لگ جائیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ کوئی چیز پر وعدہ کرتے ہیں اور آپ اس وعدے کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں اپنے جملوں میں تو انشاءاللہ کہنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے کوئی چیز کا وعدہ کر دیا تو پھر اللہ نے چاہا تو، یعنی اللہ نے خود وعدہ کر دیا تو اب اللہ نے وہی چیز کا وعدہ کیا جو وہ چاہتا تھا۔ تو اللہ نے جو وعدہ کیا وہ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ آیت نمبر 152 152 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، فذکرونی اذکرکم، تم لوگ مجھے یاد کرو، تم لوگ میرا ذکر کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو تم لوگ میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ فشکرو لی، اور تم لوگ میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ولا تکفرون، اور کفران نعمت میں سے نہ ہو، ناشکر بندوں میں سے نہ ہو۔ یعنی اگر آج کے دور میں ہم غور کریں تو یہ خود کتنی بڑی ہمارے لیے شکر گزاری کی گنجائش ہے کہ اللہ نے ہم کو ابھی بھی صحت یاب رکھا، اسلام اور ایمان پر قائم رکھا، اور کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچائے رکھا۔ آج جس صفت پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے اللہ کی صفت مالک۔ قرآن مجید میں یہ صفت سب سے پہلی مرتبہ سورہ فاتحہ میں استعمال ہوئی ہے۔ جب آپ قرآن مجید کھولتے ہیں اس کا جو پہلا سورہ ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت مان لیا جائے تو مالک یوم الدین پھر 5ویں آیت ہے، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے الحمدللہ رب العالمین کو پہلی آیت مانا جائے تو مالک یوم الدین 4th آیت ہے سورہ فاتحہ کی۔ مالک یوم الدین، یہ جو آیت آئی ہے مالک یوم الدین، اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے اتوار گفتگو کروں گا۔ یہاں پہ اللہ نے جب پہلی مرتبہ مالک اپنی صفت کا ذکر کیا تو خاص طور پر پہلی مرتبہ ذکر یوم الدین کے ساتھ کیا، یعنی حساب اور کتاب کے دن کا مالک۔ یہ مالک یوم الدین سے مراد کیا ہے انشاءاللہ اس پر اگلے اتوار ہم لوگ گفتگو کریں گے، لیکن آج عام طور پر میری جو گفتگو رہے گی وہ اللہ کی صفت مالک سمجھانے کے لیے ہے۔ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ اپنے پچھلے دروس یا بیانات میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ اہل علم بتاتے ہیں، عربی زبان کے جاننے والے بتاتے ہیں کہ عربی زبان کا کوئی بھی لفظ عربی زبان کا 3 حروف سے بنتا ہے، 3 لیٹرز سے بنتا ہے، 3 الفابیٹس سے بنتا ہے۔ اور مالک یہ جو لفظ ہے عربی کا، یہ میم لام اور کاف سے بنا ہے۔ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم رب لکھتے ہیں تو صرف را اور با لکھتے ہیں، لیکن میں نے کہا عربی کا کوئی بھی لفظ بغیر 3 حروف کے بنتا ہی نہیں ہے۔ یہاں رب میں صرف را اور با ہے، لیکن اصل جب وہ لکھا جاتا ہے تو را با با لکھا جاتا ہے۔ رب ہمارے آسانی کے لیے لکھا گیا، اصل لفظ ہے وہ را با با، رب۔ یہ تھمب رول، آپ لوگ کوئی کوئز میں جائیں تو بھی جیت سکتے ہیں۔ عربک میں کوئی بھی ورڈ، کوئی بھی لفظ عربی زبان کا بغیر 3 لیٹرز کے، بغیر 3 الفابیٹس کے، بغیر 3 حروف کے بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک تھمب رول ہے عربک لینگویج کا۔ اسی طرح مالک، یہ جو اللہ کی صفت آئی ہے، اس کا جو روٹ ہے وہ ہے میم لام اور کاف۔ یہ جو روٹ
या ये जो बुनियादी तीन हरूफ जिससे मालिक लफ्ज़ बना है, मीम लाम काफ से बने हुए अल्फाज अगर आप कुरान मजीद में तलाश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मीम लाम और काफ ये तीनों बेसिक रूट वर्ड्स या बुनियादी ये हरूफ कुरान में 206 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। और मीम लाम काफ के ज़रिए से बुनियादी तौर पर 9 अरबी के अल्फाज कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। मिसाल के तौर पर मलक, इसी मीम लाम काफ से मलक बना है और ये कुरान मजीद में लगभग 88 बार आया है। इसी तरीके से मालिक, जो आज की हमारी अल्लाह की सिफत पर है, ये कुरान मजीद में मीम लाम काफ से बनी है और ये सिफत, ये नाम अल्लाह का मालिक, ये कुरान मजीद में 4 बार इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से मलकूत, ये भी मीम लाम काफ से बना है, ये भी 4 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। मुल्क, कंट्री आप कहते हैं ना, मुल्क, मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, मुल्क, ये भी मीम लाम काफ से बना है और ये कुरान मजीद में लगभग 48 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से मलकत, ये जो लफ्ज़ है ये भी मीम लाम काफ से बना है और ये कुरान मजीद में 44 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। ममलूक, मलक, मलिक, मलिक नहीं, मलिक, मीम लाम या काफ, ममलूक, मलक, मलिक, ये एक एक मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। मलिक, मलिक, मीम जबर लाम जेर काफ, मलिक, ये कुरान मजीद में 15 बार इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये तीन हुरूफ मीम लाम काफ से ये तमाम अल्फाज कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं माशाल्लाह। मालिक जो कुरान में अल्लाह ने अपनी सिफत का जिक्र सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 या 5 इसलिए कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को पहली आयत माना जाए तो चौथी आयत मालिक यौमिद्दीन, और अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पहली आयत मानेंगे तो 5वीं आयत मालिक यौमिद्दीन। ये कुरान मजीद में 4 जगह पे इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा सूरह फातिहा के अलावा अगर आप देखेंगे तो ये इस्तेमाल हुई है आपको सूरह यासीन सूरह नंबर 36, सूरह नंबर 36 की आयत नंबर 71 में। इसी तरीके से सूरह शूरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 49 में इस्तेमाल हुई है, और इसी तरीके से आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 26 में इस्तेमाल हुई है, और इसी तरीके से सूरह ज़ुखरुफ़ सूरह नंबर 43 की आयत नंबर 77 में इस्तेमाल हुई है। ये तमाम मुकामात पर मालिक का लफ्ज़ आया है। अब ये बुनियादी जनरल नॉलेज की बातें बताने के बाद मालिक कहते किसे हैं। मालिक उस वक्त तक कोई भी नहीं हो सकता जब तक के उसके इख्तियार में कोई जायदाद ना हो। कोई इंसान जायदाद का मालिक होगा, मेरा घर है तो इस घर का मैं मालिक हूं। आप लोग गौर करेंगे कि मिल्कियत मेरी औलाद है, यह जुमला मशहूर है, मेरी औलाद मेरी मिल्कियत है, लेकिन कोई भी औलाद को यह इख्तियार नहीं दिया गया कि वो अपने मां बाप को मालिक पुकारे। वो मालिक कभी भी नहीं पुकारेंगे अपने मां बाप को। यह आप बोल लेंगे कि यह मेरी मिल्कियत है, लेकिन वो आपको कभी भी मालिक नहीं पुकारेंगे। क्यों? क्योंकि आप मालिक उनके है ही नहीं। मालिक आप उस चीज के होंगे जो आपकी अपनी जायदाद है, और मालिक होने के लिए जायदाद का होना जरूरी है। अल्लाह ताला किस चीज के मालिक है? तो अल्लाह ने आले इमरान की आयत नंबर 189, जिससे मैंने अपने तकरीर की भी अभी शुरुआत की, उसमें अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाही मुल्कुस समावाती वल अर्ध। मुल्क कहते हैं जायदाद को, प्रॉपर्टी को, जमीन को, उसमें जो कुछ है उन तमाम चीजों को, इन सब चीजों को मिलाकर मुल्क कहते हैं। मेरे हिंदुस्तान के मुल्क में क्या क्या है तो मैं एक ज्योग्राफी उतारूंगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वेस्ट बंगाल से लेकर पूरा गुजरात तक, इसमें जो कुछ है ये मेरा मुल्क है। उसमें पहाड़ भी आ गए, दरिया भी आ गई, मछलियां आ गए वो दरियाओं के अंदर के, उसके अंदर झाड़ आ गए, उसके अंदर की आबो हवा आ गई, उसके अंदर की खेती बाड़ी आ गई, वहां के बसने वाले इंसान आ गए, बिल्डिंग आ गई, सोना आ गया, चांदी, जो कुछ उसमें है ये मेरा मुल्क है। अल्लाह का मुल्क क्या है? तो अल्लाह ने खुद कहा आले इमरान की आयत नंबर 189 में वलिल्लाही मुल्कुस समावाती वल अर्ध। कायनात, आसमान और जमीन में जो कुछ है वो मेरे अकेले की जायदाद है, बोले मेरी ओनरशिप है, वो मैं अकेला उसका मालिक हूं, मेरा इख्तियार है उसके ऊपर। तो अब ये जब अल्लाह के लिए मालिक इस्तेमाल होता,
वो हम जिस तरह एक दूसरे को ये जायदाद के फला मालिक हैं, ये फला चीज के मालिक हैं, ये माने से बिल्कुल हट जाता। अल्लाह के लिए जब आप मालिक का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो जब तक तीन चीजें एक जगह जमा नहीं हो गई वो अल्लाह के मालिक की सिफत को समझाती ही नहीं है। तीन चीजें जमा होना जरूरी है और वो तीन चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए ही जमा हो सकती। मैं मालिक हो सकता हूं लेकिन मेरे मालिक होने और अल्लाह के मालिक होने में फर्क क्या है? वो तीन चीजें जो अल्लाह के मालिक की सिफत को समझाती हैं। सबसे पहली चीज, ऐसी जायदाद जो खुद उसी ने बनाई हो। अब मैं कहां से लाके बनाऊंगा? मेरी कोई जायदाद है तो वो पहले से बनी हुई है। ये कायनात है ही नहीं, अल्लाह ने बनाई। तो ऐसी जायदाद जो उसने खुद बनाई हो और उसके ऊपर मुकम्मल उसका अकेले का इख्तियार चलता हो, पहले उसमें आउट हो गए बाकी के पूरे मालिक। अब आप मालिक जायदाद बोल लो, आप जो कुछ अपने आप को मालिक बोल लो, ये मुल्क के मालिक बोल लो, जो कुछ बोल लो आप, लेकिन ये पहली जो कंडीशन है मालिक होने के लिए जो अल्लाह की सिफत को समझाती, उसमें सिवाय अल्लाह के कोई बैठ ही नहीं सकता। अच्छा, ताज्जुब की बात तो यह है कि सिर्फ अल्लाह अकेले के सिवा कोई नहीं बैठ सकता। जब जुमला बोल रहा हूं तो जितने अल्लाह को छोड़कर ये लोग शिर्क करते हैं माबूद बना के, जिस जिस चीज को ये लोग पूजा पाठ करते हैं, गॉड कह लेते हैं, आप उन सबको भी अगर देखेंगे उनमें से किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो खुद बनाए और पूरा इख्तियार उन्हीं का हो उसके ऊपर। अल्लाह अकेला मालिक है, वो जिसने खुद से जायदाद बनाई और उसके ऊपर मुकम्मल उस अकेले का इख्तियार है। दूसरा माना जो जमा होना है उसके लिए क्या है? वो जो कुछ अपनी जायदाद के तौर पे अपना मुल्क बनाया, वलिल्लाही मुल्कु समावाती वल अर्द, आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो उसकी जायदाद है, बोले अल्लाह ताला। फिर क्या बोल रहा है अल्लाह ताला आले इमरान आयत नंबर 189 में? देखिए क्या कितनी प्यारी आयत है, देखो आप गौर करके देखो, आप मालिक से जोड़ के देखो कितना वजन है उस आयत को समझने के लिए। मालिक वो जिसने खुद से जायदाद बनाई और उस पर उसका पूरा इख्तियार होना। फिर तो अल्लाह ताला इसमें क्या बोल रहे हैं? वलिल्लाही मुल्कु समावाती वल अर्द, आसमानों और जमीन में जो कुछ है उसका मैं अकेला मालिक हूं। मेरी मिल्कियत है, मेरी जायदाद है, अल्लाह की मिल्कियत, अल्लाह की, वलिल्लाही और अल्लाह के लिए है, अल्लाह की है मुल्कु समावात, आसमानों की जायदाद, वल अर्द और जमीन की जायदाद। वह वल्लाहु और अल्लाह, और वो अल्लाह अला कुल्ली शहीन खदीर, हर चीज पर कुदरत रखते हैं। अच्छा, इसको समझाने के लिए फिर एक चीज बोल देता हूं। मैं मेरी जायदाद बनाऊंगा तो कितनी बनाऊंगा? एक मुल्क होगा मेरा, ये पूरी जमीन का मैं बादशाह बन जाऊंगा, मैक्सिमम पूरी जमीन का बादशाह। इसके बाहर निकल गया, चलो चांद पे कब्जा कर लिया, चांद का बन गया, मार्स पे करा, मार्स का बन गया, वीनस पे करा, वीनस का बन गया, ये जो सैयारे हैं 8, इन पूरों का भी बादशाह बन गया मैं, बना दो मेरे को पूरों का बादशाह। अब ये कायनात कितनी बड़ी है, ये कायनात, अब जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है इनके हिसाब से ये इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी कायनात कि इंसान पागल हो जाता अगर खाली इस कायनात के बारे में सोचने बैठ गया। तो दोहरा देता हूं ताकि अल्लाह की वो सिफत से मोहब्बत हो जाए। माशाल्लाह, कई लोग आप में से शायद पहली बार सुन रहे हैं। जब आप आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो जब अल्लाह कहते हैं वसीया कुर्सी यहु समावाती वल अर्द, अल्लाह की कुर्सी आसमानों और जमीन पर फैली हुई है। देखो वही असमावात वल अर्द आया वहां पे भी, आयतल कुर्सी सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 255 है, 255। उसका आखिरी हिस्सा क्या है वो आयत का? बस मुस्लिम भाइयों और बहनों के गलतफहमी है कि आयतल कुर्सी 3-4 आयतें हैं, एक ही आयत है आयत अल कुर्सी, तवील आयत है, एक आयत है वो। उसका आखिरी हिस्सा वसीया कुर्सी यहु समावाती वल अर्द, असमावात वल अर्द आया, कुर्सी यहु समावात यहां पे आया, आले इमरान की आयत नंबर 189 में मुल्कु समावात आया। ये जो पूरे आसमान और जमीन मेरी जायदाद है उसके ऊपर वसीआ कुर्सी, उसके ऊपर मेरी कुर्सी फैली हुई है, बोले अल्लाह ताला। यानी ये कायनात को अलग बताए अल्लाह ताला, आसमान और जमीन ये पूरों का मैं मालिक हूं, मेरी जायदाद है। आयतल कुर्सी में क्या बोले? वो जो असमावात वल अर्द है, जो मेरी जायदाद है उस पर मेरी कुर्सी फैली हुई है, बोले। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? वो जो कुर्सी आसमान और जमीन पर अल्लाह की फैली हुई है कितनी बड़ी है? अल्लाह अकबर।
पहले उसको समझने आसमान और जमीन जो इंसान आज 26 सितंबर 2020 तक इंसान जो जाना उसके मुताबिक क्या है, उसके मुताबिक ये है, ये जो सूरज है, ये चांद है, प्लैनेट अर्थ है, ये हमारे 8 planets से 8 सैयारे हैं, और ये जो आसमान पे आपको सितारे दिखते, जब आसमान खुला होता तो ऐसे कितने सितारे हैं इनके हिसाब से जो हमारे आसमान में, हमारे हम लोगों के आसमान में जो हमको दिखते हैं वो 200 billion हैं। 200 billion का मतलब क्या होता, 1 billion 1,000 million का होता, 1 million 10 lakh का होता, 10 lakh का 1 million, 1,000 million का 1 billion, ऐसे 200 billion सितारे ये हमारे आसमान पर है। तो ये असमावत वल अर्थ नहीं है, मगर ये जो आपको इतना पूरा बताया मैं अभी, अपने आसमान के ये 200 बिलियन सितारे, सूरज, चांद, ये पूरी जमीन और ऐसे सैयारे, ये ऐसे पूरे मिलाकर, इनको ऐसे पूरे मिलाकर ऐसे और 200 बिलियन दिखे इनको, समझ रहे हैं? एस्ट्रोनॉमिकल हबल टेलीस्कोप लेके जब ये लोग देख रहे हैं नासा के आसमान में हमारे कायनात में क्या क्या है, यूनिवर्स में क्या क्या है, तो एक कायनात में उनको क्या दिखा, पहले अपनी दुनिया को कितना देखे लोग, अपनी दुनिया को, ये जमीन, सूरज, 8 सैयारे, ये सितारे कितने हैं, 200 बिलियन सितारे हैं, जमीन, सूरज, चांद, ये पूरे मिला लेके, ऐसे पूरे मिलाकर ये ऐसी यूनिट, ऐसे 200 बिलियन है, ये पूरों को मिला के वो लोग क्या बोल रहे मालूम है, पूरी कायनात का 5% भी नहीं है बोल रहे। और अल्लाह क्या बोल रहे, वलिल्लाही मुल्कु समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमान और जमीन में जो 5% तुम देखे, इसका भी मालिक, ये भी मेरी जायदाद, वो 95% जो तुमको नहीं दिख रहा उसका भी मैं मालिक, मैं जायद उसका जो है वो मेरी जायदाद है बोल रहे। और अल्लाह के नबी क्या फरमाए मालूम है, ये जो 95% नहीं दिखा और ये जो 5% दिख गया, ये पूरे अल्लाह की कुर्सी के सामने जिसका जिक्र आयतल कुर्सी में आया, आपकी अंगूठी अगर आखिरी है फिंगर से निकाले और रेगिस्तान, बड़ा रेगिस्तान, उधर नजर डाले रेगिस्तान, यहां देखे रेगिस्तान, जिस तरफ देख रहे गोल अपने रेगिस्तानी रेगिस्तान है, इसमें से निकाल के वो अंगूठी फेंक दिए वो रेगिस्तान में, तो वो रेगिस्तान के मुकाबले में अंगूठी कितनी है, कोई उसकी औकात है वहां पे? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये पूरी कायनात कौन सी, 5% प्लस 95% जो नहीं दिखी, ये अंगूठी है कुर्सी के सामने अल्लाह ताला की। और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अनु फरमा रहे हैं कुर्सी पर सिर्फ अल्लाह अपने पांव रखे हुए हैं, और कुर्सी अल्लाह के अर्श के सामने उतनी छोटी अंगूठी है खाली, और अर्श पर अल्लाह फरमाते हैं कि मैं इस्तवा किया हूं, अर्श पर अपने आप को कायम किया अपनी शान के मुताबिक। सूरह तौहा सूरह नंबर 20 की आयत नंबर 5 में बोले कि मैं अर्श के ऊपर अपने आप को कायम किया, बोले अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक, ये जो हम नहीं समझ सकते। ये है मालिक किस चीज का, वलिल्लाही मुल्कु समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन पे है, ये पूरी की पूरी मेरी अकेले की जायदाद है, बोले अल्लाह ताला। तो पहला माना क्या है मालिक होने के लिए, जिसमें सब फेल हो जाते, यहां तक के जितनों को हाथ से मूर्ति बनाकर पूजते या कुदरती शय को पूजते, सूरज की पूजा करते, उसकी कोई औकात है कायनात में? कुछ भी नहीं है उसकी औकात। ये तमाम की तमाम जो जायदाद है इसके बारे में मालिक होने के लिए, अल्लाह की सिफत मालिक होने के लिए क्या होना पड़ता, आप खुद उसको, वो जायदाद को आप क्रिएट करना पड़ता। मैं मालिक कैसा होता हूं जायदाद का, एक चीज पहले से है, ये जमीन का मैं मालिक हूं, मतलब जमीन क्या, मैं शुरू से क्रिएट करा जमीन को, पहले से थी, अब मैं उसका इख्तियार ले लिया, मेरी जायदाद बन गई वो। अल्लाह की सिफत मालिक होने के लिए अल्लाह खुद उसको बनाते और उस पर मुकम्मल सिर्फ अल्लाह का इख्तियार होता पूरी ताकत के साथ, ये पहला माना आना उसके अंदर मालिक में। दूसरा माना है जो कुछ आपकी जायदाद है, जिसके आप मालिक है, जो आपकी जायदाद है उसको बसाने का और उजाड़ने का पूरा इख्तियार सिर्फ आपके पास रहना। दुनिया के सबसे बड़े बादशाह को लेके देख लो,
उन्हें जुल्म कर सकता, पूरी इंसानियत को मार सकता, मार सकता नहीं मार सकता, उन्हें जिस इलाके का बादशाह रहता वहां की पूरी मखलूक को उजाड़ सकता, कर सकता नहीं कर सकता। सूरह रहमान की आयत नंबर 26, कुल्लु मन अलैहा फान, उजाड़ के रख दूंगा जो कुछ है कायनात में, बोले अल्लाह ताला, मैं मालिक हूं उसका, मेरा इख्तियार है, कौन है मेरे को रुकाने वाला अगर मैं ऐसा कर दिया तो, कोई है रुका सकते है जो अल्लाह को, कि अल्लाह आप इस झाड़ को यह क्यों कर रहे हैं, पहाड़ को, कायनात में कोई मालिक बता लो अल्लाह के ये सिवा। दूसरा माना मालिक होने के लिए क्या होना, आप जितनी चीजों के जायदाद के मालिक हैं उनको बसाना या उजाड़ना मुकम्मल आपका इख्तियार रहना उसके ऊपर, और फिर यह सिवा अल्लाह के कोई नहीं कर सकता। और तीसरा माना क्या है उसका, जो कुछ आपकी जायदाद है उस पर आप जो फैसला कर दिए उस फैसले को ठोकर मारकर किसी और का फैसला कोई नहीं चला सकता, उस फैसले को छोड़कर कोई और फैसला नहीं चला सकना, ऐसा इख्तियार किसका है, सिर्फ बादशाह कोई बन गया उसका हुक्म कब तक चलता, जब तक उन्हें ताकत में, जिस दिन उन्हें खत्म उसका हुक्म खत्म, एक नया बादशाह आ गया। लेकिन अल्लाह का हुक्म कोई हटा सकता, कोई पलट सकता, कोई बदल सकता, मुकम्मल इख्तियार। ये तीन चीजें जिसमें एक जगह जमा हो जाए वो है मालिक, जो अल्लाह ताला बोले मालिक। समझ में आ गई बात, तो मालिक का माना क्या क्या हो गया, देखो आप तीन चीजें एक जगह आना, खुद से जायदाद बनाना और उस पर पूरी ताकत रहना आपके पास उसको काबू में रखने के लिए, दूसरा माना उस पूरी जायदाद को अपनी बसाने और उजाड़ने का पूरा इख्तियार सिर्फ आपके पास है, तीसरा माना उस पूरी जायदाद पर फैसला सिर्फ आपका चलेगा, यह है मालिक अल्लाह ने। इसी तरह जब इंसानों को पैदा किया तो इंसानों को सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 30 से लेकर 38 जब आप पढ़ते हैं तो पहली मर्तबा अल्लाह ने जिक्र किया और कहा कि मैं आदम को पैदा किया और आदम को जमीन का खलीफा बनाया। इसमें एक अकीदे का अहम मसला है, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर एक बार याद दिलानी, कई लोग तर्जुमा करते हुए कहते हैं अल्लाह ने अपना खलीफा आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, अल्लाह का कोई भी खलीफा नहीं होता। खलीफा जो वर्ड है, खलीफा का माना है किसी के बाद आप इख्तियार में आना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक इख्तियार में आए, दोनों खलीफा हो सकते हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु इख्तियार लिए, तो उन्हों किसके खलीफा है, अबू बकर सिद्दीक के खलीफा है, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक अब गुजर गए तो उमर इब्न खत्ताब आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर गए तो अबू बकर सिद्दीक आए। अल्लाह गुजर सकता, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल हय्युल क़य्यूम, हमेशगी की हयात वाला, हमेशा कायम रहने वाला। तो अल्लाह का कोई खलीफा नहीं होता, जमीन का खलीफा हो सकता, हमने जमीन पर खलीफा इंसान को बनाया, आदम को बनाया, मतलब अब यह जमीन के इख्तियारात हम एक वक्त के लिए आदम और उसकी औलाद को देते रहेंगे। इसकी दलील देते रहेंगे कि कितनी प्यारी दुआ अल्लाह ताला आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 26 में सिखाए, कुल अल्लाहुम्मा, कह दो ए सब के अल्लाह, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, मालिकल मुल्क, ए मालिक, ए ओनर, कह के ओनर, जायदाद के ओनर, मालिकल मुल्क, तूतील मुल्क का मंतशा, आप जिसको चाहते हैं ये जमीन में मुल्क उसके हवाले कर देते हैं। आज आपने सोचा कि सऊद के बेटे सऊद सऊदी अरेबिया के मालिक बन जाना, आपने उनके हवाले कर दिया। आपने सोचा कि अर्तगुल की औलाद उस्मानी खिलाफत चलाना, तो चलाई, आपने फैसला कर लिया 1924 में उस्मानी खिलाफत खत्म हो जाना, खत्म हो गई। आपने कुतुबशाही खानदान को हैदराबाद दक्कन की सरजमीन का मालिक बनाया, मालिकल मुल्क, आप मालिक हैं इस जायदाद के, तूतील मुल्क, आप जिसको चाहते हैं देते हैं। आज ये जितनी हैदराबाद की जमीन है इसके मालिक मुसलमान थे, इस हिंदुस्तान की जमीन के मालिक, जब मैं हिंदुस्तान बोल रहा हूं तो आज का हिंदुस्तान का नक्शा मत लाओ जहन में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का पूरा वेस्टर्न एरिया, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, तिब्बत,
नेपाल का बड़ा हिस्सा, इस पूरी जमीन किसकी मिल्कियत में दी अल्लाह ताला? तूतियल मुल्क, आप जिसको चाहते हैं अता करते हैं अल्लाह ताला, मुसलमानों को दिए थे। तूतियल मुल्क मंतशा, आप जिसको चाहते हैं अता कर देते हैं। वह तंजील मुल्क मिम मंतशा, और जब चाहते हैं जिससे चाहते हैं खींच लेते हैं, खींच लिए पुरों से। जो मुसलमान इतने मुमालिक के मालिक थे, आज अपनी सौगज जमीन बचाने के लिए मुशरिक के पीछे हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, अपने पैर घसते फिर रहे हैं, समझे? मालिकल मुल्क, जायदाद तो आपकी है। आज मेरा जाती घर है, कल मैं भिखारी हो गया रोड का। आज कोई रोड का भिखारी है और अचानक किसी महल का बादशाह बन गया। मालिकल मुल्क, तो अल्लाह ताला क्या बताए? असल, अब समझे, मालिक, मैं मालिक नहीं हो सकता। ये जो घर का मैं मालिक बोल रहा हूं, ये टेम्पररी इन्वर्टेड कॉमास में डालने का रहता हो। क्यों? आज मैं घर खरीदा, मेरे साथ हुआ ऐसा, मेरे अपने रिश्तेदारों में हुआ। क्या हुआ? मेरे सगे खाला और खालू, सबसे बड़ी खाला और खालू रिटायर हुए, बड़ी खुशी से घर खरीदे, घर में शिफ्ट होने वाले हैं खाला और खालू, खालू का इंतकाल हो गया। किसके नाम पे है घर? खालू के नाम पे घर है। दाखिल हो सके? नहीं हो सके। मालिक कौन है रजिस्ट्रेशन के पेपर पे? मेरे खालू हैं। घर के अंदर कदम रखे जो जिसके वो मालिक थे? नहीं रख सके। मालिकल मुल्क, आप हैं असल मालिक। तूतील मुल्क, आप जिसको चाहते हैं मिल्कियत दे देते हैं। वतंजील मुल्क मिम्मन तशार, जिससे चाहते हैं खींच लेते हैं। बेअदिकल खैर, हर अच्छाई आपके पास से है। अगर मोदी को यह मुल्क दिया गया, बेअदिकल खैर, इसमें भी आपकी तरफ से कोई खैर है, हमको नहीं पता। अगर फलस्तीन में कोई घुस गया, बेअदिकल खैर, आपकी तरफ से यह भी खैर है, हमको नहीं समझ में आ रही। नहीं मालूम क्या हो रहा, हम क्या किए जिसकी वजह से यह हो रहा, हमको नहीं मालूम। हमको किस तरफ अल्लाह ताला पलटा कर ला रहे हैं, हमको नहीं मालूम है। बेअदिकल खैर, आप देते भी हैं तो आपकी तरफ से ही अच्छाई है, आप ले लेते हैं इसी में आपकी तरफ से अच्छाई है। हर अच्छाई आपके हाथ में है अल्लाह ताला। इन्नका अला कुल्ली शयइन खदीर, बेशक आप अकेले हर चीज पर कुदरत रखते हैं। बसाया उजाड़ा, किसी को बसाने भेजा, किसी को उसे उजाड़ने भेज दिया। बेअदिकल खैर, आपके मामले खैर के मामले है अल्लाह ताला। मालिक, यह है मालिक अल्लाह ताला। और हमको नसीहत आई है उर्दू अखबारों में, तो बेचारे उर्दू वाले तो समझते कि मुसलमानों की जाती जबान समझते उर्दू को। हर जबान अल्लाह की दीवी जबान है। सूरे रूम सूरा नंबर 30 आयत नंबर 21, सूरे रूम की आयत नंबर 21 में अल्लाह ने क्या कहा? ये जो जमीन और आसमान को तुम देखते हो, जिसमें हम दिन और रात फेर फेर कर लाते हैं, ये हमारी निशानी है। तुम अपने चमड़ी का जो रंग देखते हो, कुछ लोग गोरे हैं, कुछ सांवले हैं, कुछ काले हैं, ये हमारी निशानी है बोले। और जो अलग अलग जुबान में तुम लोग गुफ्तगू करते हो, अलग अलग लैंग्वेजेस में जो तुम गुफ्तगू करते हो, ये भी हमारी निशानी है बोले अल्लाह ताला। इन तमाम जुबानों में सबसे अफजल जुबान कुरान की जुबान, यानी अरबी की जुबान, जिसमें अल्लाह ने खुद की अपनी सबसे अफजल किताब नाजिल की, और सबसे अफजल रसूल की जो मादरी जबान थी वो भी अरबी जुबान थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान और हदीस वाली जबान, सबसे अफजल जबान। लेकिन हर जबान अल्लाह की जबान, खाली उर्दू मुसलमानों की जागीर नहीं होती, हर जबान हमारी जागीर है। तेलुगु हमारी जागीर है, तमिल हमारी जागीर है, कन्नड़ हमारी जागीर है, क्योंकि सब जुबानें अल्लाह की दीवी हैं। और शेख नासिरुद्दीन अल्बानी रहिमहुल्लाह के बारे में कहा जाता है, एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे, उनसे जब एक सवाल किया गया कि अक्सर देखने में आ रहा है कि मुसलमान नौजवान सारी दुनिया में अंग्रेजी सीखने पर काफ़ी बड़ी तवज्जो दे रहे हैं शेख, जबकि कुरान और हदीस तो अरबी जुबान में आई है, तो ऐसी सूरत में आप क्या नसीहत करेंगे? तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई जो आप लोगों को भी शायद काम आ जाए। उन्होंने कहा कि यकीनन कुरान और हदीस की जो जुबान है, इस पर कोई कायनात की जुबान फौकियत नहीं ले सकती। बोले ये जुबान अल्लाह और अल्लाह के नबी की जुबान है, कुरान इसी में आया, नबी की जुबान भी अरबी जुबान थी, इस पर कोई और जुबान प्रीसीडेंस नहीं ले सकती, कोई और इससे बेहतर और अफजल नहीं बन सकती। लेकिन जिस दौर में,
जिस जबान से इस्लाम की तबलीग गैर मुसलमानों में की जा सके आसानी से, वो उस दौर की इस्लाम की जबान है, बोले, क्योंकि हर जबान अल्लाह की दीवी जबान है, बोले। समझ में आई बात? तो ये पूरी बातें फिर क्यों बताया मैं आप लोगों को, ये बताने के लिए कि मालिक जब आपको कुछ देता है तो आप उसके मुकम्मल मालिक नहीं है, आपको कुछ देर के लिए इख्तियार दिया गया, क्योंकि मालिक के साथ जो लफ्ज मुल्क आता, मुल्क कहते हैं जायदाद को, मलिक कहते हैं इख्तियारात रखने वाला। कैसे इख्तियारात? सियासी इख्तियारात और फैसले चलाने का इख्तियार रखने वाला। मलिक के माने क्या है? देखिए आप, मलिक फहद, मलिक सलमान, मलिक बोलते हो लोग। मलिक क्यों बोल रहे हैं उसको? उसको खाली बादशाह के माने में नहीं ले रहे, ऐसा बादशाह जिसके सियासी फैसलों पर वहां की कौम अमल करती। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं इसके बाद, अच्छा गौर करो पहले। मलिक किसको बोलते बोल रहा हूं मैं? ऐसा हाकिम, ऐसा बादशाह कि उन्हें सियासी फैसले देता और पूरी कौम उसके फैसलों पे अमल करती, नहीं किए तो उन्हें सजा भी देता, क्योंकि मलिक है उन्हें, उसको सजा भी देने का इख्तियार है। उन्हें जो फैसले करता क्यों मानो बोलता? क्योंकि उसका बोलना यह होता कि मेरी कौम के लिए मैं जो फैसला करा यह सबसे बेहतर फैसला है, मेर से बेहतर कौम में कौम के बारे में कोई भी नहीं सोच सकते, मलिक है उन्हें, मलिक। समझ में आ गया? इसी तरह मैं किसका मलिक हूं? अल्लाह मेरे को इख्तियार दे दिए तो मेरे को बादशाह कहां पे बना दिए? नेकी और बुराई जो करता हूं मैं, कुछ देर के लिए मेरे को बादशाह बना दिया उसका। मैं इख्तियार में हूं, नेकी करूं या बुराई करूं, अल्लाह ताला बीच में आके रुकाने वाले नहीं है फिल वक्त। समझ में आ रहा? अल्लाह ताला अब रुकाने वाले नहीं है, इख्तियार दिया मेरे को, चाहे फजर की नमाज को उठूं या सो जाऊं, सो जा, उठ गया उठ गया, मेरा इख्तियार था, चाहे गुनाह कबीरा करूं या ना करूं, छोड़ दिए, करता भी है तो करता है, नहीं करता, इख्तियार दिए तो मैं अपने इख्तियार का मलिक हूं। मलिक, मलिक और मालिक दोनों भी इंटरचेंजिएबल वर्ड्स है। अगर आप लोग कुरान मजीद की खिरात के बारे में तालीम लेंगे या थोड़ी जानकारी या तहकीक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो खिरात कुरान के सबसे मशहूर है पूरी दुनिया में। जुमला कुरान 10 खिरात में पढ़ी जाती है, उसमें से दो सबसे मशहूर जो खिरात हैं वो हफ्स और वंश है। ये दो सबसे मशहूर खिरात है। इसमें फर्क क्या है? जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट वाले हैं, वो लोग उसको मालिकी यौमिद्दीन नहीं पढ़ते, मलिकी यौमिद्दीन पढ़ते। मालिक और मलिक के मानों में फर्क नहीं आता। मालिक जिसकी जायदाद है और उस पर उन्हें वो तीनों चीजें कर रहा, मलिक वही जिसका इख्तियार है, इख्तियारात वाला, सियासी इख्तियारात वाला, फैसलों का इख्तियार। याद है मालिक का तीसरा माना क्या बताया था मैं? तीसरा माना मालिक का, तीसरा माना यही बताया था ना कि वो जो अपने फैसले खादिर करता है, चलाता है और उसके फैसलों को कोई बदल नहीं सकता। तो फैसलों में सियासी फैसले भी हो गए। तो इसी तरीके से मलिक क्यों बोल रहे हैं आप बादशाह को? मलिक बादशाह को इसलिए बोला गया क्योंकि उन्हें सियासी फैसले सुनाता, आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड फैसले सुनाता, आपकी प्राइवेट लाइफ के रिलेटेड फैसले सुनाता। LGBT अब इलीगल नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, फैसला आ गया मलिक का। समझ रहे हैं आप? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। मलिक को आप थोड़ा सा चेंज कर लो इंडियन कंडीशन में, जिसको आप एक आदमी को मलिक बोल रहे हैं, हमारा मलिक कौन है? हमारी गवर्नमेंट है। मलिक का फैसला आ गया कि अब LGBT औरत औरत से शादी करेगी, मर्द मर्द से शादी करेगा, नाउज़ बिल्ला, कोई ये जुर्म नहीं है, खत्म होगी बात। उसके बाद शादी के बगैर भी तुम बच्चे पैदा कर सकते, ये भी कोई जुर्म नहीं है। अब मलिक सियासी फैसला सुना दिया। देखिए मैं एक चीज जो बोल रहा हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, इसको गौर से सुनिए, बोल रहा हूं मैं बार बार। जाति मलिक, मैं चाहे इंजीनियर बनूं या डॉक्टर बनूं, मैं IT प्रोफेशनल बनूं या मैं साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बनूं, या मैं आर्मी में जाऊं या पुलिस में जाऊं, या मैं टीचर बनूं या प्रोफेसर बनूं, यह मेरा इख्तियार है, मैं मलिक हूं इन फैसलों का अपने। मैं किससे शादी करूंगा मेरी मर्जी पर छोड़ दिया गया है। मेरे बच्चे, कितने बच्चे पैदा करूंगा, आज उसका भी मलिक बना दिया गया है। मुझे दो ही बच्चे चाहिए, मुझे इसके बाद बच्चे नहीं चाहिए। ये सब जो कुछ हम कर रहे हैं, हमारे फैसले, तो इसको आप अपने मलिक। तो हर इंसान किसी ना किसी दायरे में, हर मर्द हर औरत किसी ना किसी दायरे में मलिक है। औरत कैसी मलिक है?
देखिए वो गंदगी हमारे इस्लामी नज़रिए से तो गंदगी है यकीनन। एक फिल्म एक्ट्रेस की शादी हुई, शौहर उसके करीब गया तो बीवी ने केस कर दिया, मेरा शौहर मेरे साथ बिस्तर करने के लिए जबरदस्ती कर रहा, मॉलेस्टेशन एंड रेप केस डाल दिया उसके ऊपर। मैरिटल रेप कहते हैं ना इसको। मैरिटल रेप का मतलब क्या है? शादी होने के बाद औरत का जी नहीं चाह रहा, मर्द उससे बिस्तर करना चाह रहा, उन्हें पुलिस कंप्लेंट कर देती। तो क्राइम कितना है? वो उतना ही क्राइम है जितना आप एक बाहर वाली को रेप करें तो क्राइम है। मलिक, मलिक का फैसला है भाई, मलिक आपका बादशाह, आपकी हुकूमत ने फैसला सुना दिया आपके लिए। समझ रहे? मालिक अल मुल्क तूती अल मुल्क, अल्लाह आप ही की जात थी जिसने हमारे प्यारे नबी और सहाबा को भी जो है इस कायनात का मालिक बनाया था, इस जमीन का मालिक बना दिया था आपने। कायनात से मुराद जमीन का मालिक बनाया। और जब हम नाफरमान हुए आपके तो फिर ऐसे मलिक लाए जो जो दिल में आया फैसले कर रहे हैं। आज मैरिटल रेप होता तो ये मलिक औरत हिजाब करे या ना करे, मलिक छोड़ दिया अल्लाह ताला, कुछ देर इख्तियार दे, तूती अल मुल्क ले लो, इख्तियार ले लो, चलो दिया मैं तुमको इख्तियार दिया, तुम्हारे अपने चॉइस दे दिया, तुम्हारी मेक योर चॉइस। मैं हिजाब करो बोला नहीं करना चाह रही, मेक योर चॉइस, मत करो हिजाब। मैं जिना नहीं करना बोला, जिना करते, मेक योर चॉइस, छोड़ दिया, मलिक है तुम अपने इख्तियार के, मालिक नहीं है। मालिक वो हो ही नहीं सकता, मैं वो जो अल्लाह वाला मालिक। एक घर का मालिक बन गया मैं, मिल गई मेरी जायदाद, अब वो घर में ये जगह है, इसका कुछ देर के लिए मैं मालिक बन गया, ये माइक को यहां रखूं वहां रखूं कहीं भी रखूं, कोई ग्लास उठा के फेंक दूं कोई बाहर वाला मुझे नहीं पूछ सकता, मैं मालिक हूं यहां का, बोल दिया मैं। मेरे घर में कोई ग्लास फोड़ दूं, कोई प्लेट उठाकर फेंक दूं, मालिक हूं, मेरी मर्जी, मालिक। ये कुछ देर का इख्तियार है, लेकिन ये पूरा इतने वजन से क्यों बोल रहा हूं, कुछ बहुत अहम चीज समझाना चाह रहा हूं इसके बाद, इसलिए बोल रहा हूं। समझ रहे ना? मलिक के माने समझे नहीं समझे? कुछ देर के इख्तियार आते हैं, आप कोई फैसला कर लो। सूरह फातिहा जब अल्लाह ताला शुरू करे तो क्या बोल के शुरू करे? मालिकी। आखिरी सूरा कौन सा है कुरान का? आखिरी सूरा सूरह अन्नास। मलिक इन्नास, मैं इंसानों का मलिक हूं, है इंसान तुझ पर जो भी फैसला चलेगा सिर्फ मेरा फैसला चलेगा, वरना तैयार हो जा मालिक की यौमिद्दीन का अकेले सामना करने के लिए। तेरी चॉइस, तेरे इख्तियारात। इतना घमंड, इतना तकब्बुर कि तू मेरे से टकराव में उतर गया। पनाह मांगता हूं मैं इंसानों के पालने वाले की, अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, उस मलिक की जिसका अकेला इख्तियार है कि वो मेरे मामलों का फैसला करे। वो बताएगा मैं कपड़े कैसे पहनूंगा और कपड़े कैसे नहीं पहनूंगा, वो बताएगा मुझे कि मैं किससे शादी करूंगा और किससे शादी नहीं करूंगा, वो बताएगा मुझे कि कितने बच्चे पैदा कर सकता हूं और कितने नहीं कर सकता हूं, वो बताएगा मुझे कि कौन सी कमाई हलाल है और कौन सी कमाई हराम है मेरे लिए, वो बताएगा मुझे कि मैं किन के साथ कैसे रिश्ते रखूंगा और किन से रिश्ते तोड़ लूंगा। मलिकिन नास, तुम लोग तो मेरी जायदाद हो इंसान, मलिकुल मुल्क मलिकिन नास। इसी तरह सूरह सजदा सूरा नंबर 32 की आयत नंबर 11 जब आप पढ़ते हैं, सूरा नंबर 32 आयत नंबर 11, उसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा? मलाकुल मौत, हमने मौत का इख्तियार एक फरिश्ते को दे दिया। लेकिन मलाकुल मौत खुद से आके मौत ले सकते हैं आपको? नहीं, उनको बता दिया गया असल मालिक तो उनका भी मैं ही हूं। मलाकुल मौत, मौत का इख्तियार उनको दिया गया। मलिकिन नास, इंसानों का इख्तियार तो मेरे पास है, तुम कब से आजाद होगे मेरे से? एक मुसलमान के अंदर जब तक अल्लाह की पहचान ना हो, उसका अमल, उसका ईमान पुख्ता हो ही नहीं सकता। क्या वजह है कि नमाजें हम भी पढ़ रहे हैं, हज कर रहे हैं, जकात दे रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन वो जो सहाबा को ईमान की मिठास मिली वो कभी नहीं मिल रही हमको। उसकी वजह, सहाबा सबसे ज्यादा तवज्जो अल्लाह के नाम और सिफात को समझने में दिए। हम अल्लाह के नाम और सिफात तो कभी समझना ही नहीं चाहते। तो जो तर्जुमे में आ गया पढ़ लिए, मालिक यौमिद्दीन पढ़ते आ रहे हैं, आखिरत के दिन का मालिक। अब जब मैं इस तरीके से कहूंगा तो जायदाद का मालिक, वो मुल्क का मालिक, वो मुल्क उसका, तो मेरे लिए तो सब बराबर हो गए। वो जो माना है जिसमें वो गहराई से अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं, मलिकिन नास, ए इंसान
तेरे तमाम फैसले सिर्फ मेरा इख्तियार है। तो कितना कमाएगा, कहां से कमाएगा, कहां से नहीं कमाएगा, जकात कब देगा, सूद के करीब नहीं जाएगा, रिश्वत नहीं लेगा, चोरी नहीं करेगा, ये मेरा इख्तियार है तेरी मईशत के ऊपर, तेरी जान और तेरे माल पर, मैं उसका मालिक हूं, मलिक हूं, फैसला मेरा है, तेरा नहीं चल सकता तेरे ऊपर फैसला, तो गुलाम है, मैं हूं असल फैसला सुनाने वाला तेरे लिए। और सोच लो आप लोग ठंडे दिल से, एक मुल्क के अगर मलिक, सऊदी के मलिक का वहां के आलिम भी फैसला नहीं माने तो मलिक उठा के उनको जेल में फेंक देता। दो कौड़ी का इंसान जिसको अल्लाह वो मुल्क उसके हवाले करे तो उन्हें वहां का मलिक बना, वो मलिक को इतनी अना है मैं बोलने के बाद तू नहीं सुना फैसला, जेल में जा बोला। और जो इंसान मलिक के नाज के फैसले नहीं मानता उसका क्या हाल करेंगे अल्लाह ताला। जो इंसान जिसकी जायदाद, जिसकी मिल्कियत, जिसकी पूरी सॉवरेंटी, डोमिनियन, पावर, हर चीज सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए है, वहां बगावत करता तो उसका क्या हश्र होने वाला है कयामत के दिन, सोच लो। यही मालिक का लफ्ज आप जानते हैं, सूरह ज़ुखरुफ़ की आयत नंबर 77 में अल्लाह ने मालिक किसको कहा? मालिक दोज़ख़ के गेट कीपर का नाम है। सूरह ज़ुखरुफ़ आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला फरमाए, जहन्नमियों को जो तकलीफ होंगी आग की, जहन्नम के अजाब की, तो चीख कर कहेंगे मालिक जरा हमारी ये सजा को कम करवाइए। तो मालिक जवाब देकर कहेंगे, ये मालिक कौन है? अल्लाह नहीं, अल्लाह ने जिसको जहन्नम का मालिक बनाया, जमीन का मालिक बनाए, अब एक जहन्नम का एक को मालिक बनाया अल्लाह ताला। जहन्नम या तकलीफ में, बहुत तकलीफ में आ गए तो हम हुकूमत को बोल रहे ना, हुकूमत क्या कर रही, हुकूमत क्या कर रही। अगर सऊदी रहेगा, दुबई रहेगा तो क्या बोलेंगे? मालिक क्या कर रहा, मलिक क्या कर रहा, बादशाह क्या कर रहा बोलेंगे। वहां पे मालिक जहन्नम का कौन है? सूरह ज़ुखरुफ़ सूरह नंबर 43 आयत नंबर 77, वो फरिश्ते का नाम ही मालिक रखे अल्लाह ताला, जो जहन्नम का दारोगा है, उसको पुकार रहे जहन्नमी अंदर से तकलीफ की वजह से, क्या बोल रहे हैं? ए मालिक, बोलो अल्लाह से कि हमारी तकलीफ को थोड़ा कम करे अल्लाह ताला। मालिक पलटा कर बोलेगा, नहीं नहीं, मजा चखो और मुझे हुकुमे के और तकलीफ में इजाफे पे इजाफा करता जाऊं। फर्क समझ में आया? एक है बादशाह जो जमीन का बादशाह है, अल्लाह जब उसको बादशाह बनाए, सूरह हज सूरह नंबर 22 के आयत नंबर 40 के बाद जब आप पढ़ते आएंगे, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर हम मोमिनीन को इस जमीन की हुकूमत दे देंगे तो वो लोग इस जमीन पर हमारे नाम को बुलंद करेंगे, नमाज कायम करेंगे, जकात अदा करेंगे और इंसाफ के फैसले करेंगे। तो अल्लाह जब तुमको मालिक बनाए इस जमीन का, तो अल्लाह तुमसे क्या ये चाहते हैं? कि तुम अल्लाह के मुताबिक काम करो। तुमको घर का मालिक बनाए तो बीवी पर अल्लाह के हिसाब से हुकूमत करो। औलाद का मालिक बनाए तो औलाद की अल्लाह के हिसाब से तरबियत करो। मालिक जहन्नम का मालिक का जवाब क्या है? नहीं नहीं, मुझे हुक्म है कि तकलीफ में इजाफा करूं। तो वो मालिक जो है अमानतदारी से जहन्नम का मालिक अपने काम को निभा रहा, यहां कुछ आजादी के साथ छोड़ दिया गया तो हम अल्लाह के साथ बगावतों पर उतर गए। और एक एक झटका, इतने तीर मार रहे थे, इतने बड़े बुलंद दावे कर रहे थे, एक झटके में 2 से 3 महीने में पूरी इंसानियत, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, देयर इज नो गॉड, बाय आवरसेल्फ, खुद से है, हमको अल्लाह की जरूरत नहीं, कोई हमको क्या बताएगा, कानून हमको ढूंढ के निकाल लेते, एक छोटी सी बीमारी घुटने के बल टिका दी पूरों बुला के। कितना डरपूक है इंसान, गौर करके देखो आप क्या क्या कर रहे हैं एहतियाती तदबीर के तौर। आप लोग अंदर आने के पहले कितने काम कराए? आप लोग IREF में अंदर दाखिल होने के पहले जल्दी आने नहीं दिए, फेस पे मास्क लगाओ बोले, सैनिटाइजेशन करो बोले, आपको डिस्टेंस मेंटेन करो बोले, होते बाहर भाग जाओ बोले, क्योंकि आप सब फिल वक्त हमारे लिए खतरा है, हम आपके लिए खतरा है। कल तक अल्लाह की जरूरत ही नहीं थी बंदों को, हम एक दूसरे के लिए काफी है बोल रहे थे, आज तू नहीं मैं नहीं बोल रहे, भाई दूर जाए अच्छे,
फोन कर लिया, कैसे हैं भाई, खैरियत से? दवाखाने को गए क्या? अच्छा अच्छा आता हूं। वापिस आ गए, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह आके मिलता हूं। पूरे फ्रेश हो गए तो एक आध बार मिल ले रहे, पूरे रिश्ते टूट गए। कितने ऐसे केसेस देखने में आए जहां औलाद अपने मां बाप को घरों के बाहर कर दी कोविड के डर से। हो गया ना, पूरे बुलंद दावे थे ना, हम मां बाप से बढ़ के किसी को नहीं चाहते, हमारे मां बाप हमारी औलाद सब खत्म, मालिक सिर्फ अल्लाह की जात है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ध। और औलाद किसी को बच्चा दे दिया, किसी को बच्ची दे दिया, कोई बाबा बेबी नहीं देते तुम्हारे को बच्चा या बच्ची, अल्लाह की जात देती। सूरह शूरा, सूरह शूरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 42 सूरह नंबर आयत नंबर 49, अल्लाह ताला मालिक है आसमान और जमीन के, और वो जो चाहते हैं पैदा करते हैं, और वो जिसको चाहते हैं बेटे अता करते हैं, और जिसको चाहते हैं बेटियां अता करते हैं। पूरा इख्तियार मेरा, मेरे इख्तियार में कोई मुझे बोले कि मैं किसको बेटा दूं और किसको बेटी दूं? क्या प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत नहीं थी कि कोई एक मर्द बच्चा उनका अपना खुद का रहे उनके साथ? लेकिन अल्लाह का फैसला था कि ए नबी बेटियां तो रखेंगे जिंदा आपके लिए, हम आपके बेटे बचपन में ही प्यारे हो जाएंगे हमको। बताओ कौन मां बाप है जो नहीं चाहेगा कि एक मर्द बच्चा हो उनके पास? ज़करिया अलैहिस्सलाम सूरह आले इमरान में तो दुआएं मांगे, ऐ अल्लाह एक बेटा अता कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआएं मांगे, बेटे अता हुए। बेटियां इसका मतलब खराब ही नहीं है, लेकिन इंसान की फितरत है, इंसान को खुशी होती जब उसको बेटा भी होता बेटी। कई ऐसे बाप है जिसको सिर्फ बेटे हैं, तड़पते कि हमको एक बेटी चाहिए, ये इंसान की फितरत। और अल्लाह ताला सूरह शूरा की आयत नंबर 49 में क्या बोल रहे हैं? क्यों तुम्हारा सर कहीं पटकने से कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम मुर्दों के पास सजदे। अरे कितने अजीब लोग हैं, नहीं बड़े मजे की चीज आई परसों एक बार फेसबुक पे, बड़ी प्यारी बात आई, बोले अल्लाह से मांगना है तो मुर्दे का वसीला, मुर्दे को बोलने को किसी का भी वसीला नहीं है, मुर्दा बगैर वसीले के खबर में हर चीज सुन रहा, जिंदा बाहयात हमेशा की हयात वाला उसको वसीले की जरूरत पड़ गई। और अल्लाह ताला सूरह शूरा सूरह नंबर 42 की आयत नंबर 49 में क्या बोल रहे हैं? मैं हूं मालिक, मैं ओनर हूं, पूरा इख्तियार मेरा है, फैसले सिर्फ मेरे चलते, मैं जिसको चाहूं बेटे दूं, मैं जिसको चाहूं बेटियां दे दूं। और एक और मुकाम पे अल्लाह ने क्या फरमाया? और हम जिसको चाहते हैं कुछ भी नहीं देते। बोले कितने ऐसे मियां बीवी हैं जिसको कुछ भी नहीं मिला मौत तक भी, ये अल्लाह के इख्तियारात है, कोई कुछ कर सका उसमें? सोचो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी हस्ती है, अल्लाह अकबर, पूरी कुरान में वाहिद रसूल और नबी है जिसके लिए अल्लाह गवाही दिए, वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम हरगिज शिर्क करने वालों में से नहीं थे। बल्कि इससे बड़ी गवाही कौन दे सकता सिवाय अल्लाह के, कि अल्लाह खुद बोल रहे हैं कि मेरे इब्राहिम वो है जो शिर्क हरगिज नहीं करते थे। इतने अजीम रसूल खुद के लिए औलाद ज़ईफी तक नहीं पैदा कर सके। आज आपके मेरे किसी कन जाके मांगने से क्या होता? मालिक फैसला मेरा है, बोले अल्लाह। वो जो तुम जाते पुकारने को, कहीं पुकारते और तुमको हो जाता, उसकी वजह बताई गई सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 115, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 115, अल्लाह ताला फरमाए अब इसके बाद कि इनके पास हमने अपने नबी को भेजा है ये फैसले के साथ, कुरान के फैसले के साथ हम हमारे नबी को इनके पास भेज दिए, इसके बावजूद जो लोग इससे हटकर कोई रास्ता इख्तियार करें, रसूल के रास्ते से हटकर कोई और रास्ता इख्तियार करें, हम उस रास्ते से ही उनको जहन्नम में खींचेंगे। बोले तू गया जाके बोला कि अगर मैं झाड़ को तागा बना तो मेरे को बेटा होता, तू तागा बनता, दूसरे दिन खुशखबरी मिलती बीवी प्रेग्नेंट है। बोल के तेरा अकीदा बन गया वहां पर, तू इसको छोड़ के जो रास्ते से गया उसी रास्ते से जहन्नम में लाता हूं। बोले अल्लाह, ये इसलिए नहीं हुआ कि उसने कुछ किया वहां पे, ये इसलिए हुआ कि तू अल्लाह से अकीदा हटाया, तू भूल गया कि मालिक अकेले सिर्फ अल्लाह ताला है, तो हम भी तेरे को हटा दिए। बोले और मैं जो उर्दू पेपरों का आप लोगों के सामने जिक्र कर रहा था, मेहरबान उर्दू पेपर, एक पेज के ऊपर इस्लाम को बचाने की बात होती, मुसलमान बच्चों के तरबियत की बात होती, उसके आखिरी पेज के ऊपर पूरे फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के पूरे पिक्चर रहते, ये इनकी उर्दू की तहरीक है पूरी। तो इस तहरीक वाले ऐसे उर्दू पेपरा वाले अक्सर शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार, दिलीप कुमार यूसुफ खान
जो हमारे फिल्म एक्टर हैं उनको शहीन शाह जज्बात उर्दू पेपर की फ्रंट न्यूज रहती कई बार, तबीयत खराब है उनकी, तो इनके जीजा जी की तबीयत खराब हुई ऐसे लगता है इनको, फौरी फ्रंट पेज पे न्यूज आती है शहीन शाह जज्बात दिलीप कुमार साहब की तबीयत खराब है, कुछ ऐसा शहीन शाह जज्बात। सही अल बुखारी कुरान के अलावा, सही अल बुखारी जो हम पढ़ते हैं जिल नंबर 8 वॉल्यूम नंबर 8 इंग्लिश ट्रांसलेशन हदीस नंबर 6205 6206, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह नफरत करते अपने उस बंदे से जो अपना नाम मलिकल अमलाक रखता, और सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मलिकल अमलाक को अगर तर्जुमा किया जाए तो इसका माना है शहीनशाह। अल्लाह सख्त नफरत करते अपने उस बंदे से जो अपना नाम मलिकल अमलाक बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह कौन है, शहीनशाह कौन है, यह नाम जायज नहीं है इस्लाम में, यह नाम सिर्फ अल्लाह का है शहीनशाह मालिकल अमलाक मलिकल अमलाक। अल्लाह के नबी ने फरमाए अल्लाह नफरत करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्यारे अस्कार सिखाए, क्या बोले, जिसने 100 मरतबा यह पढ़ लिया दिन में सुबह से शाम तक शैतान से हिफाजत, बोले सबसे बड़े दुश्मन से हिफाजत। समझ रहे, आज बस जाहिल और बिल्कुल जलील किस्म के पास गुंडे निकले ना जो मुसलमानों को मार के जय श्री राम बोलो बोल रहे हैं। हिंदू ऐसा नहीं होता, ये उनके अंदर के दहशतगर्द है बस, जाहिल जो मुसलमानों को मार के, अब आपको पता चल गया मैं वहां गया तो वो लोग है मारेंगे, उनसे हिफाजत होना है आपकी, कोई हिफाजत कर रहा तो आप कितना खुश हो जाते, उनसे भी भयंकर दुश्मन वो जाहिलों से सबसे बड़ा दुश्मन, उससे बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं है इंसान का। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा सबसे खुला और बड़ा दुश्मन शैतान है, बोले अल्लाह ताला। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 208, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले 100 बार जो अस्कार करा सुबह से शाम तक अल्लाह उस शैतान सबसे बड़े दुश्मन से हिफाजत करते, बोले, और उसको उसके जो नेकियां हैं 100 नेकियां डालते 100 गुनाहों को माफ कर देते, बोले अल्लाह ताला। क्या है वो, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू वला शरीक लहू, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं है, वलहुल मुल्कु वलहम्दु, और उसी की तमाम कायनात जायदाद है और उसी अकेले के लिए हर चीज की तारीफ है, महवाला कुल्ली शहीन खदीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है, बोले। सही मुस्लिम वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 6248। छोटी सी दुआ याद कर लीजिए, कसरत से अल्लाह को मालिक के तौर पे जब याद करते हैं तो याद करते हुए ये सोचिए कि आपके पूरे फैसले जिंदगी के सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में, ना आपकी पढ़ाई से आपको कुछ होने वाला है, ना आपकी ताकत से कुछ होने वाला है, ना आपके माँ बाप की वजह से आपको कुछ होने वाला है, ना आपके पीछे किसी के बैकिंग से आपको कुछ होने वाला है, मालिक की वजह से होने वाला है, फैसला वहां से आता। सिर्फ हमको कोशिशों की इजाजत दी गई, हमारी कोशिशों को कामयाब कर देते अल्लाह ताला, लेकिन कामयाबी कब मिलती, वहां मालिक फैसला करना मेरे लिए, तब मेरे लिए कामयाबी मिलती, क्योंकि मैं और जो कुछ कायनात में है, मैं तो आप अपनी जगह रह के मैं बल्कि सोच लो, मैं और जो कुछ कायनात में है उस अकेले के गुलाम है, और हम पर सिर्फ उसका फैसला चलने वाला है। मैं इसी के साथ अपनी इस आज की तकरीर को ख़त्म करूंगा। सूरह तौहा सूरह नंबर 20 की आयत नंबर 114 का शुरू का हिस्सा तिलावत और मफहूम सुनाते हुए, उसका आखिरी का हिस्सा हम लोग कई बार कई जगह पढ़ते, रब्बी ज़िदनी इल्मन, ये जो आयत है ये आखिरी हिस्सा है सूरह तौहा आयत नंबर 114 का आखिरी हिस्सा, रब्बी ज़िदनी इल्मन, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा करिए। शुरू का हिस्सा क्या है, फतआलल्लाहुल मलिकुल हक, फतआलल्लाहुल मलिकुल हक, सबसे बुलंदी पर अल्लाह की जात है और वो अकेला ही हकीकी मालिक और बादशाह है, बोले अल्लाह ताला। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इंशाल्लाह अगर क्वेश्चंस है तो हम लोग क्वेश्चंस ब्रदर्स और सिस्टर्स की तरफ से कुछ ले लेंगे। उस पूछे मेरे जी, आप लोग दरगाह को जाना बोल के बोले, वाला जाना नहीं चाहिए,
गलत है बोल के बोला मैं, तो उन्होंने मेरे को एक सवाल पूछे मेरे को, कि वो तो उतना इल्म नहीं है मेरे पास जी। नहीं वो आदम अलैहिस्सलाम को जैसो शैतान को अल्लाह ताला क्यों बोले सजदा करने के लिए बोल के पूछे मेरे को, सजदा तो सिर्फ अल्लाह का है जी। तो अल्लाह खुदी बोल रहे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, उसका मतलब मैं नहीं बोल सका मैं जी। देखिए अब ऐसे जो लोग होते, देखिए तीन किस्म के बुनियादी तौर पे लोग होते जो इल्म सीख, इल्म के मामले में, एक खालिस सीखना चाहता, एक सिर्फ हुज्जत करना चाहता, एक इतना जाहिल रहता कि आप उसको कुछ भी लाकर बता लो उसको तौफीक अल्लाह ताला तय कर दिए कि नहीं देना है। सुम्मुन बुकमुन उम्युन, सूरह बकरा की आयत नंबर 18, ये बहरे हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, ये अब लौट कर आने वाले नहीं है बोले। तो ऐसों को तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। जो सच्चाई से इल्म सीखना चाह रहा उसके लिए बस इतनी बात काफ़ी है कि इस कुरान को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नाजिल किया। ये जो वाकया है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला सजदा करो बोले फरिश्तों को, ये सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही नाजिल हुई ना आयत। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस जो बरेलवी उलेमा भी सुनाते, देवबंदी भी सुनाते, तबलीगी भी सुनाते, अहले सुन्नत वल जमात वाले सुनाते, अहले हदीस सुनाते, हर कोई सुनाता मशहूर हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या बोल के है देखिए आप, अगर अल्लाह अपने बाद किसी को कहता के सजदा करो तो बीवियों को बोलता के शोहरों को सजदा करो। कितने बयानों में सुने ये हदीस हम लोग। ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह ताला बोले आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बावजूद हदीस क्या बोल रहे हैं, अगर अल्लाह अपने बाद किसी को इजाजत देता तो, का मतलब ये हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाह रहे थे जो हुक्म फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए दिया गया वो हुक्म अब अल्लाह ने आदम की औलाद को सिवाय अल्लाह के किसी और के लिए नहीं दिया। फरिश्ते दर्जे में इंसान से छोटे होते, फरिश्ते इंसानों की खिदमत पर लगे हुए हैं, फरिश्ते दर्जे में इंसान से छोटे होते। शरई तौर पर कुरान हदीस की रोशनी में फरिश्ते इंसान से दर्जे में छोटे होते। क्यों छोटे होते? इसीलिए वो खुद आयत दलील है कि अल्लाह ने आदम को जब सजदा करने का हुक्म दिया तो ये बतला दिया कि मखलूक में वो तुमसे अफजल है। राइट? फरिश्ता अलग मखलूक, इंसान अलग मखलूक। दूसरी मखलूक को बोला गया ये मखलूक को सजदा करो, कोई फरिश्ते को बोला गया कि तुम लगा जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सजदा करो, वही मखलूक को सजदा करने के लिए बोला गया, नहीं बोला गया। इसी तरह ये मखलूक इंसानों की जो है इनको कभी भी नहीं बोला गया कि तुम किसी और मखलूक, तुम्हारे अपने इंसानों में से किसी को सजदा करो, हमको बोला गया सिर्फ खालिक को सजदा करो। देखिए फिर और एक एक इल्म के एतबार से समझाने के लिए बात बोल रहा हूं, और एक एक इल्म के एतबार से समझाने के लिए क्या बात है, देखिए आप तमाम जितनी अल्लाह ने मखलूक पैदा की हर कोई मानता ना, अशरफुल मखलूकात, सबसे ऊंचे दर्जे की मखलूक इंसानों को पैदा की, इंसानों से ऊंचे दर्जे की मखलूक कोई भी नहीं है। तो निचले मखलूक वाले को ऊंचे मखलूक वाले को सजदा करो बोले, ये सबसे ऊंचे मखलूक को बोले सिर्फ खालिक का सजदा करना बोले। अगेन इल्मी एतबार से समझने के लिए। अब थोड़ा सा होने जैसा टेढ़ा सवाल कर रहा अगर तो टेढ़ा जवाब देने के लिए आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो बोले, हर खबर में आदम अलैहिस्सलाम है नहीं है ना, उनकी खबर ढूंढ उसके बाद आके देखेंगे इंशाल्लाह। बहनों की तरफ से कोई सवाल? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इमरान भाई मैं हस्बैंड वाइफ के बारे में सवाल पूछना चाह रही हूँ जी, कि एक बीवी पे शोहर का कितना हक है, जैसा आप मालिक का अभी बयान करे जी, कितना हक है, कितना उन्हें मालिक बन सकता है एक बीवी का, थोड़ा ये समझाइए जी। बहन ने सवाल किया है कि इस्लामी एतबार से जैसा मैं बताया कि अल्लाह ताला जो है हम सब इंसानों के मालिक हैं, लेकिन इंसानों को बाज़ जगहों पर बाएख्तियार बनाए, तो शोहर को अपने बीवियों पर जो अल्लाह ने इख्तियार दिया उस एतबार से किस हद तक शोहरों का अपने बीवियों के ऊपर मालिक होने का हक है जी। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34, आयत नंबर 34 आसान आयत है देखिए याद रखने के लिए। सूरह निसा सूरह नंबर 4 है, आयत नंबर 34 में फिर आप 34 एक जगह लिखते। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 अल्लाह ने उसमें क्या कहा कि हमने मर्द को औरत के मुकाबले में खवी बनाया है, दर्जे में थोड़ा ऊंचा ही दे दिया,
اور اسی آیت میں اس کی وجہ بتا دی گئی. کیا وجہ بتائی گئی؟ کیونکہ مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے ضروریات کو معاشی پورے کرے گا. عورتوں کی جتنی ضرورت ہے اس کو پوری کرنے کا اختیار کس کو دیا گیا؟ مرد کو دیا گیا. کیونکہ مرد عورت کے لیے ایک معنوں میں نوکری کر رہا، ایک معنوں میں مرد اس کی غلامی کر رہا، ایک معنوں میں وہ کوئین کے لیے انہیں جا کے ورک کر کے پیسے لے کے آ کے اس کے ضرورتوں کو پوری کر رہا، تو اللہ تعالیٰ انصاف اللہ سے بہتر کوئی بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ نے کیا کیا، جب انہیں اتنا تیرے لیے کر رہا تو ہم اختیار بھی اس کو تھوڑا سا تیرے اوپر دے دیے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ہم پورے انڈینس سٹیزنس ہیں، لیکن جو چیزیں ایک پرائم منسٹر آف انڈیا کو ملتی وہ ہر سٹیزن آف انڈیا کو نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی جان آپ کی خاطر رسک میں لگائی ہوئی. کل اگر ٹیررسٹ اٹیک ہوگا تو آپ کو ٹیررسٹ مارنے کی سوچیں گے یا اس کو مارنے کی سوچیں گے؟ تو لازم ہے اس کو مارنے کی سوچیں گے. تو وہ آپ کی خاطر خطرے میں پڑا ہوا ہے، وہ آپ کی خاطر کچھ کر رہا، تو اس کو امیونٹی زیادہ ملتے، اس کو فضیلتیں زیادہ مل جاتی، اس بنیاد پر ملتی. لیکن جنرل لا کیا رہے گا؟ چاہے پرائم منسٹر ہو یا پریسیڈنٹ ہو، آل انڈینز آر ایکول اینڈ برادرز اینڈ سسٹرز، یہ عام حکم رہے گا. فضیلت ملے گی اس ریسپانسبلٹی، ذمہ داری کی بنیاد پہ. مرد کو اسلام میں جو فضیلت دی گئی وہ ذمہ داری کی بنیاد پر دی گئی، کیونکہ تجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ اپنے بیوی کی ہر ضرورت کو پورا کرے. اب میں جب ضرورت کا ورڈ بولا تو ضرورت کے لیے چار چیزیں شرعی طور پہ ضرورت مانی جاتی ہیں، چار چیزیں شرعی طور پر ضرورت مانی جاتی ہیں عورت کی، بیوی کی ضرورت. چار بنیادی چیزیں ہیں. سب سے پہلی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ شوہر کا پہلا حق بیوی پر یہ ہے کہ وہ اس کے بستر کی ضرورت کو پوری کرے، سیکشوال نیڈ پوری کرے. یہ پہلا حق ہے. اگر شوہر اس کی بیوی کا پہلا یہ حق پورا نہیں کر رہا، بیوی کو اسلام پورا اختیار دیا وہ شوہر سے الگ ہو جانے کا، شوہر فوراً خلا طلاق اس سے لے لے سکتی، خلا لے لے سکتی. اگر اسلامی مملکت رہے گی، اسلامی حکم چلے گا، اگر شوہر نہیں چھوڑتا ہوں بولا تو حاکم بلا کر، قاضی بلا کر ان لوگوں کو سپریٹ کر دے گا. پہلا حق بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بستر کا حق ہے بولے. دوسرا، جو وہ کھائے گا ویسا ہی اپنی بیوی کو کھلائے گا. ویسا ہی کا مطلب کیا ہے؟ وہی کھلائے گا نہیں ہے. مثال کے طور پہ میرے کو اگر کریلا پسند ہے، میں بہت شوق سے چاٹ چاٹ کے کھاتا ہوں، اب میں 10 کریلے کھا رہا ہوں، تو کھا 10 کریلے، ظلم ہو گیا ہے. ویسا ہی کا مطلب جیسا تو ایک پسند کی چیز چاہ رہا، وہی معیار کی چیزیں. تو اپنے لیے بہترین فریش باسکٹ سے ترکاری منگا رہا آرڈر کر کے، اس کو کیا کر رہا، سڑی گلی پرسوں ترسوں کی ترکاری کہیں سے اٹھا کے لا رہا، یہ نہیں کر سکتا. دوسرا حق ضروریات زندگی کا غذا ہے، غذا بالکل وہی معیار کی جو خود اپنے معیار کے لیے استعمال کرتا. تیسرا کپڑا، جو کپڑا خود کے لیے پہنتا وہی معیار کا کپڑا اپنی بیوی کو پہنائے گا، یہ لازم ہے اس کے لیے، شوہر کے لیے اس پر فرض ہے، اللہ کا حکم ہے. ملک الناس، میں ملک ہوں، بادشاہ ہوں انسانوں کا، میرا فیصلہ ہے. اے مسلمان مرد آدمی ہو، سن لو، تم کل بیویوں کو لاؤ گے، پہلی چیز ان کے بستر کا حق ادا کرو گے. اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو میری وہ بندی کو پوری اجازت ہے کہ وہ تم سے الگ ہو جائے، تم اس کو زبردستی نہ رکانا بولے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی بیویوں کو زبردستی روکے نہ رکھو، اختیار ہے بولے. دوسرا، سیم معیار کی غذائیں کھلانا. تیسرا، سیم معیار کا کپڑا پہنانا. چوتھا، اگر بیماری آ جائے یا کچھ آ جائے تو علاج وغیرہ کے لیے جتنے خرچے ہوں، پہلی ڈیلیوری کا جو خرچہ ہو یا دوسری کا یا چوتھی کا یا دسویں کا، یہ سب کچھ خرچے جو اس کے ہیں وہ مرد کو اٹھانا ہے اسلام میں، یہ اس پر فرائض ہیں، یہ کرنا ہی کرنا ہے بیوی کے لیے. اس کو سیم چار چیزیں ایسی ہی بیوی کے لیے بھی ہے. بیوی کیا کرے گی؟ وہ جو اپنے لیے پسند کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے بھی پسند کرے گی. بستر کا پہلا حق ادا کرے گی اپنے شوہر کا. شوہر جس پر ناراض ہو جائے بیوی اس پر عمل نہیں کرے گی. یہاں تک آتا ہے کہ اگر اس کے شوہر کو یہ پسند نہ ہو کہ اس کا سسرا آ کر اس بستر پر بیٹھے جو اس کا بستر ہے، تو بیوی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو بلا کر اس بستر پر بٹھائے جو اس کے شوہر کا بستر ہے. تو عموماً کیا ہے، اسلام بیلنس سکھایا، کوئی ایک طرف جب آپ جھکاؤ دیں گے
तो बैलेंस आउट हो जाता है। एक पहिए में हवा भरे और दूसरा पहिया पंक्चर है तब तो गाड़ी नहीं चलेगी, गड़बड़ होना ही होना है। दोनों में जो उनकी हवा की जरूरत है वो पूरी भरी जाना चाहिए। तो मालिक का मतलब क्या है, ये बुनियाद है। इसके अलावा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे उम्महातुल मोमिनीन के बारे के अल्फाज क्या आते, उनके जुमले क्या आते, हमारे नबी इतने प्यारे थे कि कभी भी हमको ना झिड़के ना हम पर हाथ उठाया। अगर कोई काम हमको बोलते और अगर हम नहीं करते तो नबी वो खुद से काम कर लेते हैं। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है प्यारी अपने बीवियों के लिए। बीवियां भी वैसी होनी चाहिए फिर उम्मातुल मोमिनीन के जैसी। इतनी प्यारी बीवियां कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी खुशी उनके गम उनकी तकलीफ का पूरा ख्याल रखते थे। तो दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। अगर आप अपने शौहर से कोई हक मांग रहे हैं या शौहर अपनी बीवियों से हक मांग रहे हैं तो हक मांगते वक्त क्या ख्याल रखना, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी बीवियों के तुम पर उतने ही हुकूक हैं जितने तुम्हारे हक उन पर हैं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इस आयत से मुराद यह है कि अगर तुम्हारी बीवियों को चार हक तुम्हारे चार हक तुम्हारी बीवियों पे है तो तुम्हारी बीवियों के तुम पर पांच हक है। बोले यानी मर्द को अल्लाह ताला वार्निंग दिए कि याद रख मैं तेरे से सवाल जब करूंगा तो पूछूंगा ये औरतों के साथ क्या करके आया, क्या बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखना कयामत में तुमसे सबसे पहला सवाल मर्द आदमियों को बोला गया, तुम्हारे से पहला सवाल अल्लाह जो करेंगे हुकूकुल इबाद में वो ये है कि तुम्हारी जो औरतें तुम्हारे तहत थी तुमने उनके साथ क्या सुलूक किया। तुमको कुछ देर के लिए उनका मालिक बनाया था, तुमको इख्तियार दिया था तो इख्तियार का क्या इस्तेमाल करे। आज मैं मालिक हूं तुम्हारे सामने, अब मैं तुमसे हिसाब लूंगा। तुम तो हिसाब लेने में बीवियों के साथ बड़े तेज थे, उनके ऊपर हाथ उठाते जुल्म करते मारम तोड़ी करते, ये तो बिल्कुल इस्लाम में कोई गुंजाइश ही नहीं है इसकी, कोई गुंजाइश नहीं है इसकी। हाँ लेकिन अगर बीवी के साथ अच्छे सलूक करने के बावजूद भी हमारे आज के माशरे में बहन आप उसका भी ख्याल रखिए, हमारे आज के माशरे में हो क्या रहा है, हम लग्जूरियस लाइफ स्टाइल चाह रहे हैं। मेरी बहन का शौहर देखो इतना कर रहा तुम क्या कर रहे हैं। अरे भाई आपके बहन की शौहर का मुकद्दर अलग, आपके शौहर का मुकद्दर अलग, उसके मुकद्दर में अल्लाह ने शायद किसी जगह का बादशाह बनना लिखा, आपके शौहर के मुकद्दर में हलाल कमाकर एक ऑटो ड्राइवर लिखा, उससे कंपेयर क्यों कर रहे हैं। ये जब चीजें शुरू होती उसके पास इतना सोना है शादी के जब से आज तक आपने कोई सोना नहीं दिलाया मेरे को तो ये ऐब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी जो पहली मेरी शादी मेरी पहली बीवी है माशाल्लाह जो सिमाक और सुमैया की वालिदा है 1997 जनवरी में उनसे शादी हुई मेरी 97 जनवरी से आज 2020 सितंबर आ गया मैं आज तक एक भी सोने की चीज नहीं दिलाया उसको। मेरी दूसरी शादी अमतुल मतीन से 2005 में हुई 2005 से 2020 आ गया आज तक उसको सोना नहीं दिलाया। तो ये दोनों क्या बोले नाशुक्रपन करके छोड़ के चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि वैसा नहीं करे। तो हमारे पास क्राइटेरियाज बनाए हम ये नहीं करे कैसे शौहर है तुम। क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज से वापसी के बाद जहन्नम में मैंने औरतों की तादाद मर्द से ज्यादा देखी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों, क्योंकि उनमें अक्सर ऐसी हैं जो अपने शौहर की नाशुक्र गुजार होती हैं। बोले एट द सेम टाइम शौहरों का काम क्या है, गाली देना हाथ उठाना जुल्म करना उसके माँ बाप को गिराना उसके माँ बाप को गाली देना उससे तवक्को रखना कि वो सिर्फ मेरे माँ बाप की खिदमत करेगी लेकिन उसके माँ बाप की कोई कदर नहीं है आपके पास, ये सब जुल्म है अल्लाह की नजर में। आप जितना चाहते हैं कि आपकी बीवी अपने माँ बाप की खिदमत करे आप भी तैयार रही कि आप भी उसके माँ बाप की खिदमत करेंगे, ये इंसाफ है इस्लाम का। तो इस्लाम में शौहर की बहुत बड़ी अहमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शौहर अपनी बीवी से नाराज रहे और इसी हाल में वो शौहर सो गया रात में जब तक के वो अपनी बीवी से राजी ना हो जाए अल्लाह उस बीवी की ना इबादत कबूल करते हैं ना ही उसकी दुआएं कबूल करते हैं। यहां तक के एक हदीस पाक के मफहूम में आता है अगर कोई शौहर अपनी बीवी से नाराज है और अगर उसकी बीवी अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलकर कहीं कोई काम से भी जाकर लौटती है तो जितनी जगहों से वो गुजरी वहां जितनी मखलूक थी अल्लाह की वो मखलूक उस पर लानत करते रहती। अगर तुम लोग अपने शौहर को ऐसा फोड़ा हो जाए जिसमें से
پس نکلے, تم اپنی زبانوں سے اس کو چاٹ بھی لو تب بھی تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. بولے بالکل ویسا ہی جیسا اولاد کو کہا گیا کہ تو اپنے ماں باپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. ایک مشہور روایت میں آتا, ضعیف یا صحیح کا مسئلہ میں اب فی الوقت نہیں جانا چاہوں گا, مشہور ایک واقعہ جو بیان ہوتا کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں جب ضعیف ہو گئی اور فالج ہو گیا, اس کو معذور ہو گئی, میں اپنے پیٹ پر رکھ کر اس کو حج کروایا, کیا میں نے میرے ماں کا حق ادا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تو چھوٹا تھا اور تو گیلا کر لیا تھا اپنی پھالی کو, پیشاب کر لیا تھا معصومیت میں, پھالی گیلی ہو گئی تھی, تیری ماں نے صرف جو کروٹ تیری طرف تجھے وہ گیلے پن سے ہٹانے بدلی, تو اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. بولے تو یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح بیویاں شوہر کا ہو ہی نہیں سکتا. اگر بیوی سے شوہر ناراض ہے اللہ کے فرشتے لانت بھیجتے. بولے یہاں تک کہ جنت کی جو حورے ہیں وہ اس عورت پر لانت بھیجتی اور بولتی کہ اے اللہ اس پر آپ لانت کریے اس بیوی پر کہ یہ میرے خاوند کو ستاری زمین کے اوپر بولتے. لیکن بیلنسڈ ہے, اگین میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیلنسڈ ہے یہ سب چیزیں. مطلب شوہر کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ ظلم نہیں کر سکتا, اس سے بھی پوچھا جائے گا قیامت کے دن پھر کہ تو کیا کر کے آیا, اس کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا اگر اس نے عورت پر ظلم کیا ہے جو اس کے اختیار میں دی گئی تھی, چاہے ماں کی شکل میں ہو, بیٹی کی شکل میں ہو. اور اکثر ہوتا کیا ہمارے ہندوستانی معاشرے میں, جب نوجوان مسلمان مرد یہاں کا شادی کرتا تو ماں باپ کے حقوق کے ٹکراؤ میں لا کے بیوی کے حقوق کو مار دیتا. ماں باپ سے بڑھ کے نہیں, ماں باپ سے بڑھ کے نہیں ہے کا مطلب اس کے حقوق نہیں ہے. اب اس کے حقوق اپنی جگہ ہے, ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ ہے. تیرا امتحان یہی ہے کہ تو ماں باپ کے حقوق کو کیسے پورے کرتا, ساتھ میں بیوی کے حقوق کو کیسے پورے کرتا. یہ تیرا کمال ہے کہ تو دونوں میں ٹکراؤ مت ہونے دے. تو یہ ایک چیز کو ہم ذہن میں رکھنا چاہیے میری بہن. امید آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ماشاء اللہ. بھائی آپ کے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال تھا, بچوں کو پیدا ہونے کے بعد اکثر لوگ حیدرآباد میں بہت ہندوستان میں بہت تاگے باندھتے ہیں کالے جی, تو لاکھ سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانتے ہوں, کس طرح سمجھائیں؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ معصوم بچوں کو اکثر نظر سے بچانے کے لیے تاگے وغیرہ, کالے تاگے وغیرہ یا لال تاگے وغیرہ یا اس قسم کے جو دھاگے باندھے جاتے ہیں, تو ان کو کیسا سمجھائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے, جس نے اپنے ہاتھ پر یا اپنی کمر پر یا جسم کے کسی حصے پر اس عقیدے سے تاگا باندھا کہ اس کی صحت یہ اچھی رہے گی, تو اللہ اس کی دعائیں ہرگز قبول نہیں کرتے. بولے ایک شرک کا حصہ مانا گیا ہے اس کو. اگر ایسا ہوتا تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے چہیتے نوازے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تاگے باندھتے تھے. صحابہ کی کئی اولادیں ہوئی, وہ لوگ تاگے باندھتے. سمپل آپ دیکھیں, ہمارے لیے اسلام وہی ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بہتر کوئی اسلام کر ہی نہیں سکتا عمل. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں بھی نہیں ملتا کہ انہوں اپنے اولاد کو کبھی تاگے باندھے. ہم کو چار اماموں سے, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں بھی نہیں ملتا کہ وہ لوگ اپنی اولادوں کو تاگے باندھے یا کہیں فتویٰ دیے کہ تاگے باندھو. تو اب دیکھیں, اب کیسی انسان منمانی کیسی چلاتا. دیکھو جہاں آپ نبی کی حدیث بولے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بلاتے, اب جہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کا مسئلہ نہیں نکلتا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا, ان کے ان سے بھی نہیں نکلا تو گلی کے ایک مرشد کا نہ جاتا. کرتا مگر وہ جو اس کے دل میں ہے. اب اللہ کو بھی چھوڑا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑا, ائمہ کو بھی چھوڑا, صحابہ کو بھی چھوڑا, بڑے اصل مشہور اور معتبر جو علماء دین اولیاء اللہ کو بھی چھوڑا اپنی منمانی کے لیے, گلی کے ایک دکاندار کو پکڑ لیا. تو حدیثوں سے بالکل ثابت نہیں ہے. امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا ماشاءاللہ. اگر ایسا رہتا تو پورے پیدا ہونے والے بچوں کو اپن تاگے بن لے کے کووڈ سے بچا لیتے تھے. جی بہنوں کی جانب سے کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے ہر چیز کا اور ہر اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے, جی تو اگر ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے, اور ہر توفیق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو ہم کو گناہوں پہ اللہ توفیق کیوں دیتا اور پھر اتنی بڑی سزا کیوں ماشاء اللہ, جبکہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے, تو اس وقت روکتا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ؟ ماشاء اللہ, آپ اگر میرے تقریر کا حصہ غور سے سن رہے تھے تو اس میں میں یہی بتایا کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کا ہے. اللہ نے کچھ وقت کے لیے
آپ کو خود مختار بنا کر امتحان لیا کہ تیری خودی چلائے گا یا میری غلامی چلائے گا. آپ سمجھے میری بہن؟ سورہ ملک سورہ نمبر 67 سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2, ہم نے زندگی اور موت کو تم سے امتحان لینے کے لیے پیدا کیا. بولے اللہ تعالیٰ کیا امتحان ہے؟ زندگی سے موت, یہ سانس پہلی لیا یا آخری سانس چھوڑ دیا, یہ جو میری زندگی سے موت کا سفر ہے اس کو امتحان بنایا ہوں. بولے اس کی مثال دیتا ہوں بہن, آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ہم لوگ ایگزامس لکھتے جا کے, ایگزامس لکھے ہیں نا آپ لوگ سب, کوئی نہ کوئی کلاس کا تو ایگزام لکھے ہی ہوں گے. ٹیچر کیا کرتی معلوم ہے؟ آپ کے بازو سے پھرتے رہتی, ایک بچے کو دیکھتی انہیں آنسر غلط لکھ رہا اور اس کو معلوم ہے بچہ غلط آنسر لکھ رہا, مگر ایگزام ہال میں انہیں کریکٹ کرتی سسٹر اور بچے کو. سسٹر کو مائک واپس دیجیے, نہیں کرتی. ٹیچر کے اختیار میں ہے نا بیٹے تو غلط لکھا بولنا, لیکن کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ امتحان کا معنی ختم ہو گیا, ورنہ اب امتحان ہی کا من کیا, یہ تو چیٹنگ ہو گئی. اللہ بھی بول رہے ہیں میں ایسا ہی امتحان لے رہا ہوں ان بندوں سے میرے. کس بات کا امتحان لے رہا ہوں؟ ان کو خود مختاری دیا. اور اب اس میں امتحان کیا ہے؟ شیطان کو جب اللہ نے پوچھا اے ابلیس تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا, تو شیطان جواب میں بولا کہ آدم مٹی کے بنے ہوئے ہیں, میں آگ کا بنا ہوا ہوں, میری فطرت میں اونچائی کی طرف اٹھنا ہے. مٹی کو ہوا میں اٹھایا تو نیچے بڑھ جاتی, یہ چھوٹی چیز کے سامنے میں کیسے سجدہ کرتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں بولے کہ کیا تیرے لیے میرا حکم کافی نہیں تھا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ اے ابلیس اب تو لعنتی ہو گیا, نکل میری جنت سے, ہمیشہ کے لیے تو لعنتی ہو گیا. تو ابلیس کیا بول رہا دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کو. آپ کے اس میں ایک ایڈیشن بتا دیتا ہوں, آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں کام آ جائے گا انشاءاللہ. کئی بار کرسچن مشنریز کا ایک سوال ہے, یہ کرسچن مشنریز کا ایک سوال ہے عیسائی مبلغین کا جو اسلام سے بھٹکانا چاہتے مسلمانوں کو, ان کا ایک سوال ہے بھائی جو آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نا روز کیوں دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا, آپ لوگ ہاں بول رہے ہیں مسلمان ہیں بولے تو آپ ہدایت پہ ہیں, پھر یہ دعا روز کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں اتنے بار؟ یہ لوگوں کا سوال ہے. ایک سوال ہے نا, آپ بول رہے ہیں آپ مسلمان ہیں تو آپ بول رہے ہیں میں ہدایت پہ ہوں اس لیے میں مسلمان ہوں, پھر روز دعا کرتے چلے آ رہے ہیں ہدایت دے ہدایت دے ہدایت دے, ایسا کیوں کر رہے ہیں ملک ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے, شیطان اللہ کو بولا اے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ بیٹھ کر بھٹکانے کی توفیق دیجیے بولا, قیامت تک, قیامت تک میں آپ کے بندوں کو کہاں بیٹھ کے بھٹکاؤں گا بولا؟ وہ صراط مستقیم, وہ راستہ جو ان کو آپ پیدا کرنے کے بعد ان کی موت تک ایسا راستہ دیا ان کو جو آپ کی مرضی کا راستہ ہے, وہ راستے کو جو مسلمان چل لیتے آ رہا میں اس پر بیٹھ کے ان کو بھٹکانا چاہ رہا ہوں, باقی کے جتنے ہیں وہ تو میرے ہی ہیں, یا بیٹھ کے بھٹکانا چاہ رہا ہوں تو روز صبح سے شام تک ہزار بار انہیں میرے راستے میں بیٹھ کے بھٹکا رہا تو میں ہزار بار اللہ سے دعا کرتے جا رہا ہوں کہ اللہ میرے کو وہ صراط مستقیم سے ہٹنے مت دیجیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو شیطان اللہ تعالیٰ کو کیا بول رہا, صراط مستقیم سے ہٹانا چاہ رہا ہوں بولا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان کیا لیے کہ اب بندہ میرا جو صراط مستقیم میں اس کو دیا اس سے ہٹتا شیطان کی سن کے یا میری محبت اور میرے ڈر سے میرے راستے کو پکڑے ہوئے رہتا, یہ میرا امتحان ہے یہاں پہ. اور اللہ خود اسی آیاتوں میں بول رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان جب یہ مہلت مانگا تو اللہ خالی مہلت نہیں دیا اس کو, قیامت تک کی مہلت بولا میں بھٹکاؤں گا صراط مستقیم پہ رہ کے, تو اللہ اس کو صرف مہلت دے رہا نہیں بولے جا میں نے تجھے مہلت دیا اور سن لے ابلیس تو میرے صرف ان بندوں کو بھٹکا سکتا جو تیرے دوست ہے جو رحمان کے بندے ہیں, تیرا اختیار ان پہ نہیں چلتا. بولے آپ کا امتحان کیا ہے؟ اب آپ ثابت کریے کہ آپ ملک الناس اللہ کو مانے یا شیطان کو ملک الناس مانے اپنا مالک مانے, یہ آپ کا اختیار ہے. یہ آزادی جو کچھ وقت کی دی گئی یہ ایگزام ہے آپ کے لیے. تو اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ نے اس لیے کیا کیونکہ اللہ قیامت کے دن وہ فرشتے جو اللہ سے بولے اے اللہ زمین پہ انسان کیوں پیدا کر رہے ہیں آپ, یہ تو زمین پہ خون خرابہ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کیا بولے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور تم اتنا ہی جانتے ہو جو میں نے تم کو سکھایا ہے. بولے فرشتہ فوری اپنی بات سے رجوع کر لیے بولے بے شک اللہ ہم تو صرف اتنا ہی جانتے جتنا آپ ہم کو سکھائے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے 38, تو جب قیامت قائم ہوں گی
اللہ کے نبی آئیں گے اللہ کے سامنے، نبیوں کے صحابہ آئیں گے، نیک و صالحین آئیں گے، شہداء آئیں گے، صدیقین آئیں گے، اولیاء اللہ آئیں گے، بزرگان دین آئیں گے، نیک بندے اللہ کے آئیں گے، تو ان کو بتا کر اللہ تعالیٰ وہی فرشتوں کو یاد دلائیں گے، پوچھے تھے نا، دیکھو ان کو پوری آزادی دیا تھا یہ دنیا میں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ میری اطاعت کرے اور شیطان سے پلٹ گئے۔ تو یہ وجہ سے اب آپ کے اختیار میں ہیں۔ اچھا توفیق جو بولتے ہیں ورڈ، توفیق کے ورڈ کے بارے میں بھی سن لیجئے آپ۔ کئی لوگ بولتے ہیں اللہ کی ہدایت ملتی تو میں ایسا نہیں کرتا، اللہ کی ہدایت مل گئی، اب قرآن کے بعد کوئی قرآن آنے والی نہیں ہے۔ سب سے پیارے کائنات کے ذات مبارک اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا، اس سے پیارے کائنات میں اب کوئی انسان کو اللہ نہیں پیدا کرنے والے ہیں۔ سب سے پیارے انسان، سب سے پیاری ہدایت اللہ کے پاس سے لے کر آ گئے انسانوں کے لیے۔ ہدایت آ گئی، توفیق اگر نہیں مل رہی تو اس کی وجہ بتائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جب کوئی بھی اللہ کے بندے کے سامنے، مسلمان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں ہے یا یہ نبی نے کہا ہے، وہ سننے کے بعد اس کے دل میں کیا چلا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ارے یہ ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ میرے دل میں ذرا بھی خیال آیا، اللہ تعالیٰ میری توفیق بند کر دیتے میرے لیے۔ لیکن اگر میں سنا یہ قرآن میں ہے، میں ابھی تک یہ کر رہا تھا، یہ حدیث میں ہے، میں ابھی تک یہ کر رہا تھا، اچھا میرے نبی مجھے یہ کرنے کے لیے بولے، میرے نبی بولے، ختم، توفیق مل گئی فوری۔ آپ کا جو انسٹنٹ دل اور دماغ میں جو چلتا قرآن اور حدیث آپ کے سامنے بولے جانے کے بعد، اس کی بنیاد پر توفیق دی جاتی ہے، توفیق چھین لی جاتی ہے آپ سے۔ تو اگر آپ سب کو توفیق چاہیے تو اس میں جو کچھ آیا، اسی لیے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کیا بولے، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نے جو نازل کیا اس سے کراہیت کی، تو اللہ نے ان کے تمام نیک اعمال کو برباد کر کے پھینک دیا، بولے ایک نیکی بھی ان کی قبول نہیں کیا، بولے قیامت کے دن۔ کیوں؟ کیونکہ جب میری قرآن میں کوئی چیز آئی، میرے نبی کی حدیث میں کوئی چیز آئی، تو ان لوگوں کو اچھی نہیں دکھی ہو۔ خاص طور پہ بہنوں کو چار شادیوں کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ، مرد آدمیوں کو داڑھی چھوڑنے کا مسئلہ، ٹکنے کے اوپر پہننے کا مسئلہ، ان کو، یعنی آپ ظاہر نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کے ایکسکیوزز، آپ کے جملے، وہ اس دور میں تھا بھائی۔ اچھا قرآن کی آیت اس دور کے لیے تھی خالی؟ یہ جو کیفیت، یہ دل کی کیفیت، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36، ہم تو ان کے دلوں کے خیالات پر بھی ان کو سوال کریں گے، بولے قیامت کے دن۔ میری آیت بتائی گئی، میرے نبی کی بات بتائی گئی، تیرے دل میں نیگیٹو کیسا آیا تھاٹ اس کے بعد؟ تو وہ بھی پوچھوں گا، بولے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس سے چاہوں گا، اللہ بچائے ہم کو۔ وہی سورہ میں کیا بولے اللہ تعالیٰ، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 21 سے لے کے 27 تک جب آپ پڑھیں گے، آسان ہے نا نام یاد رکھنا سورہ کا، سورہ نمبر 47 کس کے نام سے؟ ہمارے نبی کے نام سے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 9 میں کیا بولے؟ چونکہ کراہیت کرے، کفر کرے، نہیں بولے، نہیں مانتا، نہیں بولے، تھوڑا پسند نہیں آیا، ذرا ایسا نیکیوں کو برباد کر کے پھینک دیا، بولے پورے۔ آیت نمبر 21 سے 27 میں کیا بولے؟ جب ان کو موت آئے گی تو میرے موت کے فرشتے ان کے منہ پر، ان کی پیٹ پر مار مار کر ان کی روحوں کو کھینچیں گے، اور ان سے کہیں گے تم نے وہ چیز کو کیسے پسند کیا جس سے اللہ ناراض تھے، اور اس چیز کو تم نے کیسا کراہیت کی جس پر اللہ راضی تھے؟ جو اللہ کو اور نبی کو پسند تھی وہ تم کو کراہیت ہوئی اس سے، اور جو اللہ کو ناپسند تھی تم کو پسند آ گئی، وہ مار مار کر ان کی پیٹ کے اوپر اور ان کے چہروں پر ان کی روحوں کو کھینچیں گے، کیونکہ یہ کراہیت کرتے تھے۔ جو ہم نے اس کتاب، جو ہم نے پوری کتاب سے نہیں، کچھ حصے سے اس کے، اور اللہ نے ان کے نیک اعمال برباد کر دیے، بولے۔ تو ہمارا امتحان یہی ہے کہ میری اوقات کیا ہے، میں کیا سمجھ سکتا ہوں، میں میرا اچھا برا کیا جانتا ہوں؟ آپ غور کر کے دیکھ لو، ٹھنڈے دل سے کتنا انسان کتنا جاہل ہے، بول سکتے ہم، ساری زندگی میں مانا کہ میرا دل میرے کو بلڈ پمپ کر رہا، اور ساری زندگی میں ایک بار بھی میرے خود کے دل کی فوٹو نہیں دیکھا، مگر یقین ہے، گردوں پہ یقین ہے، اندر کے اتڑیوں پر یقین ہے، بھیجے پر یقین ہے، جو کائنات کا خالق سب پیدا کر کے دیا، انہیں کوئی بات، انشاءاللہ سے، انشاءاللہ۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ